साहेबला सरबत घेऊन रे. नाही 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 नाही, राहणे दो राहणे दो. तुम लोग डीसी का ऑफिस गए थे, क्या हुआ वहाँ, काय झालं तसे? हां तो काय म्हणणार हो, असच बसलो तर सगळ्यांना आत घालतो म्हटला. जास्त हवा तोडा लागलाय त्यो भाव, असं सांगितलं तर त्यो ऐकणार नाही. तुम्ही एकदा सांगा, मी त्याला बघूनच घेतो. नाही, ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है. मैंने उसकी योजना बना ली है, बहुत अच्छी, लेकिन ये योजना तभी सफल हो पाएगी जब तुम लोग वोट डालना बंद कर दोगे, समझ लो. चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वोट नहीं डालेंगे, उसे बता देंगे, दोपहर तक का टाइम देंगे. अगर उन्होंने हमें बिजली और पानी नहीं दिया तो उसके बाद हड़ताल. काय हड़ताल? ये नहीं हो सकता, मैंने पहले भी कहा था ये नहीं हो सकता. फिर यहाँ क्यों आते हो? तुम्हारे बराबर में अगर जरा सा कुछ हो जाता है तो उसका समाधान क्या हम करेंगे? महाराष्ट्र का बोर्ड लगाया हुआ है ना, जाके महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पूछो. कर्नाटका गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी नहीं देगी, नो वे. हेलो डीसी साहब, मैं हूँ, एमएलए साहब का पीए बोल रहा हूँ. साहब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं. ठीक है. हेलो. नमस्ते सर. क्यों रे, कल वो बंद करने वाले हैं क्या? हाँ सर, बंद करने वाले हैं. देखो उन्हें परेशान मत करना, उन्हें कोऑपरेट करना. ये बंद शांति से होना चाहिए. और हाँ, एसपी को तुम बुला के अच्छी तरह समझा दो, किसी को भी अरेस्ट वरेस्ट करने की जरूरत नहीं है. अरे ये मामला बहुत ही सेंसिटिव है, चाहे कुछ भी हो कोई परेशान नहीं होना चाहिए. कोई परेशानी ना हो ऐसी कानून व्यवस्था करना. हीरो बनने के चक्कर में वो अंदर हो गए हैं, उसके लिए ये फिर से बंद कर रहे हैं. ये वो ठीक नहीं कर रहे हैं. हंसे क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही. ओके सर. ये डीसी मेरी हर बात पे हंसता रहता है, ऐसा क्यों? वो कैसे हंस रहे थे? कुछ अजीब से हंसता है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है. इधर आ. सिटी आज बंद ही जानने के बाद भी तुम यहाँ क्यों आए हो? बहुत देर से खड़े हो क्या? नहीं सर, मैं अभी अभी आया हूँ. यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ पर आज हड़ताल है, जाने के लिए कोई साधन नहीं है, इसलिए खड़ा हूँ. कहाँ से आए हो? त्रिलोकपुर से आया हूँ सर. और जाना कहाँ है? जेडी कॉलेज हॉस्टल में जाना है सर. बैठ जाओ. थैंक यू सर. हाँ. सामने देख, दुकान क्यों खोली उसने? ए, हम लोग क्या तमाशा करने के लिए घूम रहे हैं? सारा बंद पड़ा है, तुझे बिजनेस की पड़ी है? चल बंद कर. बस सर, मैं थोड़ी देर में बंद करके घर जाने वाला हूँ. क्यों रे, हमारे बारे में तू नहीं जानता है? कल तेरी दुकान यहाँ नजर नहीं आएगी, चल बंद कर. बस सर, मैं बंद करके जा ही रहा हूँ. अरे मैंने कहा ना बंद कर. चल शटर डाल. ए तू जा, चल जा. ए बंद कर. ए मंजुनाथ सर, तो आ जा. अभी आया सर. ए जल्दी कर, बंद करता हूँ सर, करता हूँ. उस पर इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा था, क्यों चिल्ला रहा था? उस पर क्यों गुस्सा उतार रहा था? देखा जाए तो उसे सुरक्षा हमें देनी चाहिए, उसके बिजनेस में रुकावट ना पड़े, ये हमारी ड्यूटी है. लेकिन क्या करें, हमारी किस्मत ही खराब है. गलती करने वाले को हम सुरक्षा देते हैं, ये जिन लोगों ने बंद का ऐलान किया है ये क्या दूध के धुले हैं? हा? पुलिस को अपने हाथ का खिलौना बना लिया है. गलत काम जनता नहीं करती है, ये लोग जनता का लाभ उठाते हैं, वोट की राजनीति से अपनी कुर्सी बचाते हैं. इन्हें जनता की कुछ नहीं पड़ी है, इनके कारण बेचारी जनता ही पिसती है. हाँ यहाँ तो क्या करता है? इंजीनियरिंग. अच्छा स्टूडेंट है या? अच्छा स्टूडेंट हूँ. एक बार ठीक से समझ ले, अपनी पढ़ाई से मतलब रखना, राजनेता के बहकावे में मत आना. अगर गड़बड़ ज्यादा होती है तो अपने गांव लौट जाना,
नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। तुम अच्छे लड़के हो इसलिए समझा रहा हूँ, समझ रहे हो ना? कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आ जाना। नमस्ते सर। हाँ, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, आपने बुलाया था तो आ गया। अच्छा, वो चले गए क्या? हाँ सर। सबके सब चले गए? नहीं सर, वो आपसे मिलने के बाद जाएंगे। चलो, एक परेशानी तो कम हो गई। अगर ऐसे चार पांच और हो गए तो हम अपने अधिकार से सिर्फ इनका ट्रांसफर ही कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। तुम भी जानते हो, ये सब देखा ना, बेकार की परेशानी क्यों लेते हो? देखो, हमारी भी घरवाली, बच्चे बच्चे सब हैं, बेकार की परेशानियों में हाथ क्यों डालते हो? समझ रहे हो ना? सर, आओ आओ बैठो। क्यों, जाने के लिए तैयार हो गए? मिलजुल के रहते तो बहुत अच्छा होता। अरे, तुम्हें खामोश तमाशा देखना चाहिए था, बेकार के फटे में हाथ डाल दिया। सर, चाय? जी अच्छा। सर, सिटी का बंदोबस्त ठीक नहीं था, इसलिए कहीं कहीं पर आग जाने का हादसा हुआ है। कहाँ, कैसे लग गई? अरे, ये आग भला लगी कैसे? ओके सर, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, भगवान तुम्हें तरक्की देगा। चलता हूँ सर। सर, मैं भी चलता हूँ। नमस्कार। बसा। ओ भाऊ, अचानक कैसे आना हुआ? मैं आपको छोड़कर भला कहाँ जाऊंगा भाऊ? जहां तक मुझे पता चला है, आज के दिन जो यहाँ पर बेंगलोर का एमएलए आया हुआ है, उसने एक ही दिन में ये काम किया। दोपहर से पहले उसने उसे ट्रांसफर ऑर्डर दे दिया। उसका ट्रांसफर कहाँ हुआ? पता नहीं। तो नया डीसी कौन है? उसके बारे में कुछ पता नहीं। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि हमारा बीच का कांटा निकल गया। हेलो, क्या हुआ, घबरा गए क्या? मेरा नाम है करण, त्रिलोकपुर का हूँ। तू कहाँ का है? मैसूर का हूँ। व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैंने पीयूसी मैसूर में किया था। मेरा नाम राजू है। हाय, मैं हूँ करण। और ये है रवि। हाय रवि। हाय। चिप वाले हो, कंप्यूटर साइंस वाले हो ना? ओ, हाँ हाँ, कंप्यूटर साइंस। चलो बाहर आओ, एक दम मार के आते हैं। ए, नहीं भैया, वो आदत मुझे नहीं है। अरे, कॉलेज में मस्ती करने आए हैं ना, आ जाओ। अरे चलो भी। तो तुमने कंप्यूटर एजुकेशन बैंगलोर में किया क्या? हाँ यार। ओ, तो बेलगांव की तरफ भी गया होगा? हाँ, गया हूँ। अच्छा भाई, तो आ गया यार, बहुत दिनों से ये और मैं अकेले हो रखे थे, अब जीने में मजा आएगा। अरे छोड़ना यार। ए, मैंने तो मजाक में कहा यार। अरे जाना, कहाँ लगा के बैठ गया? क्या हुआ भैया? कुछ नहीं यार, कन्नड़ में मांगा तो मराठी में जवाब देता है, ऐसे कैसे चलेगा? Dear students, welcome all of you and all the best for your future. I am Bharati Roy. I am handling physics for you. So, let us start this. Excuse me, madam. If you don't mind, आज की पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं अपने दोस्तों से एक बहुत ही जरूरी बात कहना चाहता हूँ। हाँ कहो। Dear friends, यहाँ हर तरह के students हैं, brilliant, clever, genius. कितनों को पढ़ाई करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि उनमें प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने की शक्ति है। इसलिए क्लास को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मजदूरी करने वालों के बच्चे भी हैं, उनकी पढ़ाई में हमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड तो प्लीज यहाँ से बाहर चले जाएं, एटलीस्ट इंटरेस्ट रखने वाले हम लोग ठीक से पढ़ाई कर सकें। सो
हमें एक दूसरे का सहयोग चाहिए। खासकर मैं यहाँ लेडी फ्रेंड से कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे कॉलेज के अंदर किसी भी लड़की का व्यवहार ठीक नहीं तो उसे सुधारो, क्योंकि अगर हम हिंदुस्तानी संस्कृति में रहेंगे तो हमारे अंदर श्रद्धा बढ़ेगी। आई थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैडम। मेरी बात सुनो, अगर किसी को भी मेरी सहायता की जरूरत पड़ती है तो मुझसे पूछ ले। वैसे तो क्लास में मैं पढ़ाऊंगी ही, लेकिन अलग से भी पढ़ा सकती हूँ। इसलिए तुम्हारा नाम क्या है? चिदानंद मैडम। हाँ सुनो, जो इसने कहा वो आप लोग ध्यान में रखिए। ओके हाँ, नाउ प्लीज टेक डाउन द नोट्स। व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू अ वेरी लो वैल्यू, इट इज लुक्ड अपॉन एज अ प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम। तुम क्या हॉस्टल में रहते हो? जी हाँ मैडम। तुम्हारे माता पिता? यहाँ कोई नहीं है मैडम। यहाँ कोई पार्ट टाइम जॉब भी करते हो? नहीं मैडम। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो ऑफिस में आके मुझसे मिल लेना। ओके मैडम। दिस वैक्यूम इज टू बी कॉल्ड हाई वैक्यूम। ये क्या यार, क्लास में तो बहुत बोर लग रहा था। छे, किंग के बारे में जान गया? कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले सोचा था यहाँ मजा आएगा, 4 साल लाइफ वेस्ट हो जाएगी। हे, यहाँ की मार्केट तक चले, वहाँ पे लड़कियाँ आती हैं। चलो। ये कितने का है? ए, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? और ये ज्यादा नहीं है? हे, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे छोड़, तू कैसे आया? बस ऐसे ही आया हूँ, लड़कियों को देखने के लिए। कोई दिखाई दी क्या? हाँ। ए, कोई खास नहीं है। और वो कौन सी? वो जानू तेरे
हाल ये है जाने के साथ रोग ये लगा है वैसा वैद्य भी है बोले मुझको टंटना उम्र है ये नाजुक मेरी तड़पे ये जवानी मेरी और जो देखे वो ही बोले टंटना ये आईज देखो ये नोस देखो ये हाइट देखो ये वेस्ट देखो हर चोली के पीछे ये मेरा हाथ भी देखो तेरा अरे ये जादू है तेरा दिल चुरा के तू जानम ले गई है मेरा जादू है तेरा अरे ये जादू है तेरा दिल चुरा के तू जानम ले गई है मेरा अरे आगे क्या आ जाओ काफी थक गए होंगे थोड़ी पेट पूजा कर लो हाँ, करूंगा करूंगा अच्छा चलता हूँ बाद में फिर आऊंगा और सुनो दरवाजा ठीक से बंद कर लेना तू क्या समझती तेरे बारे में मैं कुछ नहीं जानता उस पे इतना प्यार क्यों लुटा रही थी उसने तुझे रखा है क्या मैं जो कह रहा हूँ वो सच है ना बोल सच है या नहीं मैंने जो कहा वो सच है ना इन सब बातों में अब तू बहुत ध्यान रखने लग गया है उसको देखते ही तू जल गया ना जब देखो गुस्सा नाक पर चलो रोटी खा लो है? मुझे नहीं चाहिए अरे आना। मुझे नहीं खाना है आजा मुझे भूख नहीं है अरे बैठ ना मुझे भूख नहीं बैठ जा मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है थोड़ा मेरी तरफ भी तो ध्यान दो ये किताब हाथ में क्यों ये पढ़ने से भला किसका उद्धार हुआ है ले खा ले ऊपर वाले ने वाकई तुझे बहुत सुंदर बनाया है ए! 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 ऐसे मुंह क्यों घुमा लिया अरे क्या हुआ पहले वो तो बता तुम मुझे बुरी तरह मारने लग जाओगे अगर मैं बताऊंगी तो नहीं मारूंगा अब बता ना वो यहाँ पर आया था मैंने उसे बहुत मना किया फिर भी उसने ऐसा किया मुझे पहले क्यों नहीं बताया कितनी बार मैंने मना किया लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी मत करो बिरेंदर हेलो कौन बोल रहे हे फोन उसे दे वो थोड़ा मीटिंग में है हे जल्दी फोन दे उसे हेलो हे हे मेरा फोन अवॉइड करता है भैया ऐसा नहीं है दरअसल मैं वहाँ हे तुझे दो दिन का टाइम देता हूँ सिर्फ दो दिन का टाइम देता हूँ तीसरा दिन तुझे नहीं मिलेगा तुझे मैं पहले भी समझा चुका हूँ मेरी पर्सनल जिंदगी में टांग मत अड़ा जान से हाथ धो बैठेगा भैया जो होना था हो गया है तुम अब उसे कुछ मत करना उसे समझा दिया ना अब वो यहाँ नहीं आएगा तू वहाँ गया क्यों था बेकार की परेशानी मोल लेता है एक्शन लेने की सोचता हूँ लेकिन इलेक्शन सिर पे खड़े ये सारा काम संभालेगा कौन वो सब मैं नहीं जानता वो बहुत होशियार है होशियार है ये तो अब बता रहा है तुम लोग मेरे लिए जी का जंजाल हो गए हो ए, फोन लगा उसे हेलो वीरेंद्र बोल रहा है ना हाँ बोल रहा हूँ एमएलए साहब तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं हेलो कहाँ है भैया तू तुझे बुलवाया था मगर तू आया नहीं अरे मेरे घर पे आओ ना देखो तुम हमारी आंखों के सामने रहोगे तो अच्छा रहेगा इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए अच्छा ठीक है मैं जरूर आऊंगा
हमारे बच्चों से सुना है तेरा कुछ झगड़ा हुआ? ये बातें दिल में मत रखना, तुम मेरे घर आओ, बात करेंगे। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। काय रे, कुठे चलला? काय रे, कुठे चला? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कहाँ जा रहा है। ओ, यानी तुझे भी मराठी आती है? और नहीं तो क्या। हेलो अजीत, मराठी चार कॉफी बहुत अच्छा होता है, कब खिला रहा है? खिलाऊंगा यार, खिलाऊंगा। ले ले। अरे ये क्या यार, कॉलेज की लाइफ तो बहुत बोर लग रही है यार, ऐसा क्यों है? किसी सरकारी अस्पताल में चले जाना अच्छा है, यहाँ का हॉस्टल उससे भी बेकार है। हेलो, मुझे वाकई मजा नहीं आ रहा है, ऐसा होगा मैंने सोचा नहीं था। ये तो अपने घर जा रहा है ना, मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देगा, फिर मैं चला जाऊंगा। हाँ ठीक है, तो चले। जल्दी दो ना यार। तुमचा पैसा बढ़ला बगा। अरे पैसे नीचे गिर के देखो ना। ओ थैंक यू। माचिस की डिब्बी दो। काय पाई के? छोड़ना यार। यार तू चुप रह ना। माचिस की डिब्बी दो। क्या हुआ? ए यार ये समझ ही नहीं रहा। चल ना तू, चल। ए, एक लड़की को देखा, वो क्या लगती है, बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छी लगी। कहाँ पे? कल हम शॉपिंग गए थे ना, वहाँ बस स्टॉप के पास, वहाँ से वो ऑटो में चले गई और उसने ऑटो वाले को बताया कि उसे किस जगह जाना है। मैंने सुन लिया, वो रहती है शिवाजी नगर। अरे वाह मेरे डिटेक्टिव शेर, तूने तो वाकई सब कुछ पता लगा लिया, तेरी आंखों को सब अच्छा लगता है। पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। हाँ ये बिल्कुल सही है। हाँ तो आज एक काम करते हैं, शाम को कॉलेज छूटते ही वहीं पे चलेंगे। हाँ दिखाई दी क्या? अरे उसके लिए अभी टाइम है यार, तो चलना, बात को समझता नहीं है। अरे कोई टाइम वाइम नहीं हुआ, तू बेकार की बातें मत कर। अरे क्या हुआ? अरे हुआ क्या? मैंने जिसके बारे में कहा था ना वही है। कौन सी? ए चलना, वो जो पीछे आ रही ना, वो वाली। हाँ अब बता कैसी लगी? ए बहुत अच्छी है। 100%? 100% तो नहीं, लेकिन काफी अट्रैक्टिव है। करेक्ट, मैंने बोला था ना उसे अपना बनाने के लिए धीरे धीरे ट्राई करूंगा और उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करूंगा। लड़कियों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए, उनके बारे में तुम नहीं जानते हो, पहले उसके मन को टटोलना होगा। देखो शादी हो जाने के बाद कोई संदेह नहीं होना चाहिए, रोड पे देखते हो ना दूसरों की औरतों को लोग कैसे देखते रहते हैं। अच्छा छोड़ना उसे, तो कुछ बोलना यार। ए लड़की तो देख ली ना, कब तक पीछा करेगा? देखता रह, नेक्स्ट सेमेस्टर से पहले मैं उसे पटा लूंगा। लव स्टोरी को ज्यादा मत खींचना।
मैं तो चलता हूँ यार, अब कुछ भी डिस्कस करना है तो मेरे रूम पे आ जाना, तेरे रूम को तो हाथ जोड़ता हूँ, ठीक है? चल रे। हेलो। ए, मैं भी चलता हूँ। ए इधरा। मैं नहीं आऊंगी। ए इधरा, जाओ, तुम्हारी माँ बुला रही है। एप्लीकेशन डाल दूँ क्या? एप्लीकेशन देनी किसे है? तेरे से बोलने से अच्छा है कि मैं उसे बोल दूँ। अगर वहाँ जाके कुछ उल्टा हो गया तो क्या करेगा? वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बस तू देखता जा मैं क्या करता हूँ। ओके। अब मैं क्या करूँ? एक्सक्यूज मी, मुझे पहचाना? वो वहाँ बस स्टॉप पे मेरे पैसे गिर गए थे। लगता है पागल हो गए हो। हे बेबी, जरा इधर आना। ए, ये तुम्हें अच्छा लगता है ना? ये चाहिए तुम्हें? तो मुझे पप्पी दोगी? तो दो। तू भी जा जा के किसे अपने साथ ले गया? अरे इसकी तो एप्लीकेशन की बात कही तो ये मुझे कहता है, तो वो देनी किसे है? अरे चुप रहो ना यार, ये सब मेरे दिमाग में नहीं घुसता है। ये यहाँ पे खड़ा क्या कर रहा है? कौन यार? वो। अरे हाँ, अभी अभी तो ये रूम पे था। ओ, ये तो बड़ा खिलाड़ी है, देख तो सही कैसे घूर रहा है। चलो अभी जाके उससे पूछते हैं। छोड़ना यार, ये ऐसा होगा मैं पहले से ही जानता था। ओहो, ये तो पोस्टर को ही लाइन मार रहा है। रुक जा, इसे सबक सिखाएंगे। हाँ साहब जी, इस फाइल में आपको साइन करने हैं। अरे ये तू कहाँ से लाया? रामगली के पास से। काफी अच्छा है, इस पार्टी से काफी सारा माल वसूलना है। नमस्कार साहब जी। ए, अरे यहाँ आना। साहब जी, मराठी वोट आपको ही मिलेंगे, उसका मैंने इंतजाम कर दिया है। आप चिंता मत करो, सारा बंदोबस्त मैं करूंगा। संजय, अभी 4 महीने बाकी हैं। तू किस लड़की से क्या करेगा मुझे उसकी चिंता नहीं, लेकिन सारे लोग मेरी तरफ आ जाने चाहिए बस, क्योंकि जैसे अभी तूने कहा उतने लोग तो कंफर्म हैं। लेकिन चुपचाप मत बैठना, औरों को भी ले आओ, अपने लड़कों को काम पे लगाओ। देखते हैं, मराठियों को भी शामिल करने की कोशिश करते हैं, करना ही पड़ेगा। जैसी इच्छा, लेकिन अब टूर पे निकलना चाहिए। ए, अभी उसके लिए टाइम है, ऐसे घूमने से क्या वोट डाल देंगे? वो तो ठीक है, मेरे जाने से पहले उस वीरेंद्र का कुछ बंदोबस्त करो, क्योंकि कल रात में वो फोन पे मारने की धमकी दे रहा था। वो बहुत ही होशियार है, वो कभी भी कहीं से भी आकर मुझे मार सकता है, पहले उसे टिपकाने का इंतजाम करो। अभी भी तुम वही बोले जा रहे हो? उससे डर के क्या चुपचाप बैठ जाओगे? उसका इंतजाम कर दूंगा, छोड़। हाँ, उस SP से बोलो ना, वो उसका एनकाउंटर कर देगा, वो भी तो आपके लिए ही काम करता है ना। अरे हाँ, अच्छा आइडिया है। उस SP को फोन लगा। अभी लगाता हूँ सर। SP जी। हाँ बोलिए सर। पब्लिक के पास से आजकल बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। शहर में गुंडागर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपका मतलब नहीं समझा। देखो, ये वीरेंद्र जैसे गुंडों का एनकाउंटर क्यों नहीं कर देते? उन्हें ऐसे खुला क्यों छोड़ रखा है? ये लोग पब्लिक के लिए बहुत खतरनाक है। क्यों सर, क्या किया उसने? उसे खत्म करने के लिए बोल रहा हूँ, तुम बोल रहे हो क्या किया उसने? राजनेता गुंडों की मदद करते हैं ऐसा तुम कह रहे हो, अब उन्हें खत्म करने के लिए बोल रहा हूँ तो तुम मुझसे ही सवाल कर रहे हो? ऐसी बात नहीं है सर, अचानक उसका ख्याल आया इसलिए पूछा। है? क्या कहा? ओके सर, अब जब आपने हुक्म किया है टाल सकता हूँ क्या? ओके सर। मैडम चेंज नहीं है, बाद में दे दूंगा। ठीक है, अच्छा तो हम चलते हैं रीमा। ओके। एक अच्छा सा पेन देना भाई।
कितने का है? 15 रुपए का है। हेलो, ये तुम्हारा है? मेरा नहीं है। बुलारी सुना नहीं देता है क्या? तुम्हारा आईडी कार्ड गिर गया, उठा लो। ओह थैंक यू। हेलो। अरे वाह, तूने उससे बात भी कर ली यार। मैंने कहा था ना वो मुझसे बात करेगी। वे यार, ये लीजिए मैडम। थैंक यू। हे भगवान, मेरा काम बना देना। हाँ, जल्दी कर देना। चल जा यार, नहीं तो निकल जाएगी। हाँ। यस, देखा तुम लोगों ने? देखो उसने फूल गिराया, जल्दी चलो। एक्सक्यूज मी। ये क्या, तुमसे मैं बात नहीं करी तो इसलिए फूल लेकर आ गए? ओहो, जैसा आप सोच रही हो ऐसा नहीं है। ये गुलाब मेरा नहीं है, तुम्हारा है। तुम्हारे सर से गिरा, मैं उठा के दे रहा हूँ, बस इतना ही। सॉरी, थैंक यू। मैंने सोचा फिर से कोई ड्रामा होगा। ए, अब से अपना ये फूल इधर उधर मत गिराना, दूसरा होगा तो नहीं देगा। आहा, तुम अपना आईडी कार्ड और पैसा गिराते रहोगे और बताने के लिए मैं आती रहूंगी। तुम्हारा नाम क्या है? सुनो, अरे नाम तो बताओ ना। काहे के लिए? ए वनिता, जरा रुकना। अरे उन्हें क्यों रोक रही हो? तुम लोग जाओ, ये आ जाएगी। अरे मुझसे बात करो ना, प्लीज अपना नाम तो बताओ ना। रीमा। तो सुनो रीमा जी, बार बार जो हम मिल रहे हैं इसका मतलब क्या है, समझी? क्या मतलब है? हम दोनों की अक्सर मुलाकात होती है। तुम्हारा कुछ गिरता है तो मैं देखता हूँ, और मेरा कुछ गिरता है तो तुम देखती हो। तो ये सब जो है। हाँ, क्या है? यानी जरूर कोई ना कोई बात है, यानी हम अनजाने में आपस में कहीं ना कहीं मिल जाते हैं ना। देखो ऐसा मत कहो, प्लीज दिल की बात कहो ना। ये तो अक्सर होता है ना। नहीं, दिन और रात में फर्क होता है ना, ऐसा पहले कभी हुआ है क्या? नहीं हुआ तो होगा। देखो वही तो कह रहा हूँ, हमारे बीच में ऐसे गिरने से कोई ताल्लुक है? सुनो ये रखो, इसे खा के अपने घर जाओ। देखो तुम गलत कर रही हो, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे तो क्या है, क्यों मुझे तुम परेशान कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी बात पर विश्वास करूं? देखो तुम हमारा मिलना किस्मत बोलते हो, अगर वाकई किस्मत है तो हम मिलेंगे। अब घर जाओ। हेलो, ग्लोब थिएटर में भगवान की पिक्चर देखी ना? उसमें फाइट ही नहीं है, ओनली सीन्स हैं। उसके अंदर हीरोइन है, देखी क्या? ये तो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था। तुझे कैसे पता चला कि वहाँ पे कौन सी पिक्चर लगी हुई है? ए, ये जानता है, थिएटर के बाहर जो पोस्टर लगा है ना, वो देख जरा। पोस्टर देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। वैसे पोस्टर देखने से कोई फायदा नहीं, फिल्म देखने में मजा आएगा। वाह, मैंने जिंदगी में ऐसी पिक्चर नहीं देखी, ये पहली बार है। अच्छा ये बता, वैसे ये पिक्चर तो हिट हुई ना? ओहो, वो कोई जितेंद्र की पिक्चर है जो हिट नहीं होगी? मुझे लगता है ये तो गया काम से। ये क्या, मोटू अभी तक आया नहीं? वो गया होगा आंखें सेकने, आखिरी रील पूरी होने तक वहीं रहेगा। उस मोटू के बच्चे को जब भी देखो यही किताब पढ़ता रहता है, इसमें ऐसा। हाँ, अरे यहाँ देखो ना। हे, ओ, ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है भाई। करण, एक काम करते हैं, इसे यहीं रहने दो, ठीक है? मैं अभी चलता हूँ, और अगर ये मोटू तेरे साथ कभी कुछ करता है तो तुम मुझे बता देना। अभी मैं चलता हूँ। ए चल यार। ओके ओके।
करण, मिस्टर करण, क्या हुआ? टेस्ट की तैयारी कर रहे हो? हाँ, तैयारी कर रहा हूँ। वो तो ठीक है, तुम्हारे ये फ्रेंड्स हैं ना, उनसे जरा तुम होशियार रहना, उन पर विश्वास मत करना। अच्छा, ऐसा क्यों? वैसे ये सब तुम्हें बताने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो दोनों जिस तरह से तुम्हें उकसा रहे थे, उससे तुम्हें मैं बस सावधान करना चाहता हूँ, इसीलिए ऐसा बोल रहा हूँ। वो एक नंबर के कमीने हैं, वो यहाँ तक कि मुझे भी। खैर छोड़ो, बता के क्या फायदा। गुड नाइट। ओके ओके, गुड नाइट। ए, तू वहाँ इतनी दूर जाके क्यों खड़ा हो गया है? उस मोटू के बच्चे ने हमें कमीना बोला, आज जब तक उसे मारूंगा नहीं चैन नहीं मिलेगा। अरे यार, अपना गुस्सा छोड़ो ना यार। तू भी क्या बोल रहा है? मेरे हाथ एक बहुत अच्छी किताब लगी है। सुनो। ओ, तुम मुझसे मिलने नहीं आए हो? झूठ मत बोलना। आहा, तो किस्मत हमेशा एक दूसरे को मिला देती है क्या? वैसे यहाँ क्यों खड़े हो? बस के इंतजार में? आ जाओ आ जाओ, यहाँ बस आए हुए बहुत दिन बीत चुके हैं। करण, ए करण, ए रुकना, आज यहाँ कैसे? बस ऐसे ही। तूने इंटीग्रेशन के बारे में बताया नहीं यार। जो भी डिफरेंस लग रहा है ना, उसे उल्टा कर दो, ठीक हो जाएगा, बस इतना ही। मेरी जो परेशानी है वो तू कहाँ समझेगा? अरे ये तो बहुत सिंपल है, आज मैं तुम्हारे घर आऊंगा, वहाँ नोट्स दे दूंगा, बाकी सुबह बता दूंगा। टेस्ट आने वाले हैं। काफी ब्रिलियंट दिखाई देते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे हाथ में ये नॉवल कैसी, ये भी पढ़ते हो? अच्छा, तुम वाकई पढ़ते हो? पढ़ने से कोई फायदा वायदा हो रहा है? देखो, इस दुनिया में सब कुछ कुदरती होता है, कुदरत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, पता है ना? और इसीलिए अनुभव पाने के लिए विद्या मंत्र और उससे क्या क्या होता है, ये सब किताबों में छापा जाता है, और वो किताब पढ़ने से हमारे अनुभव और ज्ञान में बहुत बढ़ोतरी होती है। इसलिए अगर हम आसपास के लोगों को देखते रहेंगे तो हमारे बुद्धि में अहंकार बैठ सकता है। इस दुनिया में ऐसी गलती बहुत सारे लोगों ने की है, अहंकारी बनकर उनके मन में ईर्ष्या बैठ जाती है। इसलिए इन सब से बचने के लिए हमारे साथ साथ दूसरे भी अच्छे रहे, ऐसा उद्देश्य हो तो मानव जीवन पूरी तरह सफल हो जाता है, और यही हकीकत है। आज मेरे ख्यालों में खो गई होगी। ए, तू तो किताब के बहाने बहुत दूर चला गया। अरे ऐसी बात नहीं है, लव करना मजाक है क्या? ओए, उस लड़की को सोचने का टाइम देना, तू तो पीछे ही पड़ गया। अबे देखता रह, स्ट्रेट प्रपोज, उससे सीधे कहने वाला आई लव यू। हाँ, यहाँ कैसे? तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मेरे घर का पता तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें एक बार यहाँ आते हुए देखा था। ओ, हाँ बोलो। मुझे लगता है, वैसे पक्की बात नहीं है, बस मैं अपने मन की बात बताने आया हूँ। मेरा मन लगता है फ्यूचर में तुमसे प्यार करेगा, वो तुमसे आई लव यू कहेगा। ये क्या, तुम प्यार करते हो उसे, मुझे क्या? मैं प्यार नहीं करती।
सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगता है मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। आई एम वेरी सॉरी, चलती हूँ। ये अचानक चिल्लाने क्यों लग जाती हो? तुमने उस लड़की के सामने इस तरह से बात क्यों करी? मैंने तुमसे आकर कहा क्या कि तुम मुझसे प्यार करो? मेरे मन में जो था वही मैंने तुमसे बताया। मेरे मन में अभी पक्का नहीं है, फ्यूचर में कहा ना, अभी के लिए नहीं कहा। मैंने कहा था ना जल्दबाजी मत करना। अरे यार, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मैं इतनी मुश्किल से बात को जमा रहा हूँ और तू ऐसा बोल रहा है। देख यार, अगर उसने तेरे प्यार को स्वीकारा नहीं तो। अरे नहीं यार, सही टाइम पर मंत्र छोड़ना होगा। इस बीच में मिलेंगे, बात करेंगे, लड़कियों को तू ठीक से नहीं जानता है, जरा सी देर में फिसल जाती है, अपने आप ही चिल्लाती है और अपने आप ही शांत हो जाती है। हाँ यार, इन लड़कियों को तो भगवान भी नहीं समझ पाया है। सुन यार, लाइफ में छोटे मोटे नहीं बहुत दुख होते हैं, देखना पड़ता है, मिलना पड़ता है, सिर घूम जाता है टेंशन से। तेरी तो, तू कुत्तों से भी प्यार करने लग गया, तेरे खून में प्यार भरा हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कुछ और ही बोल रहा है, और अचानक से स्टाइल बदल दी जैसे फिल्म का कोई हीरो हो। वो तो बच गया, वरना कुत्ता काट के प्यार करता। इसने उसे गोद में उठा लिया, ऊपर से उसे चुम्मा भी देने लग गया। हेलो, इसके यहाँ आने पर ही मुझे शक था। सुबह सुबह हाथ मुँह धोए बिना ये क्यों इस जगह पे भागा चला आता है, अब समझ में आया। अब इसे समझाने से कोई फायदा नहीं होगा। शिष्य? हाँ। उसका नाम क्या है? चिदानंद है यार, चिदानंद। वो कौन है? तेरे माँ बाप है क्या? उनके इतने सारे फोटो क्यों लगा के रखे हैं? ताकि तेरे माँ बाप देखते रहे कि तू पढ़ रहा है या नहीं। तेल लेने गए तेरे माँ और बाप, लेकिन मैंने सुना है तू आजकल बहुत फैल रहा है। हेलो, ये मेरा पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर बोल रहा है? पर्सनल मैटर, अरे इसकी तो क्लास के अंदर तो ऐसे हाथ बांध कर, कॉलेज में पढ़ने वाले सब अमीर नहीं होते, यहाँ मजदूरी करने वालों के बच्चे भी पढ़ने के लिए आते हैं। क्यों रे? क्लास के अंदर तो संस्कृति के बहुत बड़े बड़े भाषण दे रहा था, क्लास की लड़कियों को तो संस्कृत के बारे में समझा रहा था कि ऐसा होना चाहिए। अच्छा, ये तेरी कौन सी स्टाइल है रे पूजा करने की? हाँ, एक सेकंड रुक, ये बता, एक्सक्यूज मी, ये भगवान है ना? शिष्य, अब देख लिया कैसे सर झुका के बैठा है? ए मुड़, तेरे इस भगवान का नाम क्या है बताना? कात्रेया। ओह कात्रेया, माफ करना भाई। अच्छा, तुम्हारा ये भगवान हम लोगों के लिए भी है या स्पेशल तुम्हारे लिए ही है? वो पिक्चर कैसी लगी तुझे? क्यों भाई बताना, भर तेरी उल्लू कहीं के, काय को ये सब करता है रे, हमारे जैसे ओपन क्यों नहीं हो जाता है? अच्छा, तू इस तरह से चुप बैठकर इस समय क्या सोच रहा है? ए, हम क्या कमीने हैं? हम पे विश्वास मत करना, ऐसा तूने करण से कहा? ए मोटू, मैं तुझे नहीं छोडूंगा। अरे छोड़ना यार, अरे छोड़ना, छोड़ना, हिम्मत कैसे हुई हमें कमीना बोलने की? कमीना तो तू है। सॉरी यार,
मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, बहुत मुश्किल से वो मुझे पढ़ा रहे हैं। मेरे ऊपर बहुत जवाबदारी है। गांव में दीप जलाने के लिए दीयों में तेल भरते हैं, उसके साथ इतने बड़े बड़े दीप बनाते हैं, साथ में बत्ती बनानी पड़ती है। वो लोग कितनी मेहनत करते हैं ये बात तुम क्या जानो। एक का 68 रुपया ही मिलता है, लेकिन इस बार दीपक नहीं बिके, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। इसी बात का गम भुलाने के लिए मैं ये पोस्टर देख रहा था। छोड़ ना यार, इसकी तो ऐसी कहानी बोलता है। आज इसे नहीं छोड़ूंगा, छोड़ो मुझे, मैं इसकी कहानी खत्म कर दूंगा। ये हमें कभी ना बोलता है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सुन, उससे जरा होशियार रहना। ए, उठना, टाइम हो गया। ए राजू, चलो उठना यार। अरे छोड़ना यार। अरे क्या है यार, कम से कम सोने तो दे यार। अरे पहले तू उठना यार, चल जल्दी तैयार हो जा। प्यार तू करता है, परेशान हम होते हैं। क्या यार, वो दिखाई नहीं दे रही, कहीं कॉलेज तो नहीं चली गई? अरे यार, इतनी सुबह सुबह कोई आता है क्या? चल कॉलेज चलते हैं। कॉमर्स डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट वाले गोवा टूर पर गए। ए, परेशान मत हो, चलते हैं। चलना यार। मान लो वो लड़की मान गई तो उसी के साथ कंटिन्यू करेगा या फिर कोई और देखेगा? ये गांव बहुत सुंदर है। हाँ। पहले लोग इस गांव के बारे में जानते नहीं थे। इस गांव में एक बड़ा गुंडा वीरेंद्र रहता है। अच्छा? वो बहुत ही खतरनाक है, यहाँ एक औरत के चक्कर में आता है। अगर कोई वीरेंद्र से दोस्ती कर ले तो वो पूरे शहर में फेमस हो जाएगा। सिटी के पास में ही ये कितनी बढ़िया जगह है ना। उस गुंडे का नाम क्या है? वीरेंद्र। अरे आँख खोलना, तू एक हाथ भी सह नहीं पाता है, खुद को रौड़ी कहता है। चलो उठ। मैंने जिसके बारे में बताया ना, वीरेंद्र वही है। ए, 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 ये जगह कौन सी है जानता है ना? क्यों कुछ याद नहीं आ रहा है ना? मेरे एरिया में आके मुंह मारता है। तेरा मैंने क्या बिगाड़ा था? यहाँ के लोगों में आकर तू ढोंस जमाना चाहता है? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यहाँ का राजा मैं हूँ, यहाँ जो भी मैं कहता हूँ वही होता है। और तू मेरे घर में घुस गया, जो मेरी पूजा करती है उस पे हाथ डालना चाहा? चल जा, यहीं तेरी समाधि बनेगी। हाँ, मैंने क्यों कहा था, आप समझ में आया? अब तो सीरियस हो जाओ, वो अब जिंदा नहीं बचना चाहिए, समझ गए ना? वो हाथ में नहीं आ रहा है सर, अंडरग्राउंड हो गया है।
पाय लागू भाऊ संजय। ऐसी चाल चलने से कुछ नहीं होगा, उसे तगड़ा सबक सिखाना होगा। हमें पहले से भी ज्यादा होशियार रहना होगा। उस कॉलेज फंक्शन के लिए सारी तैयारी कर लो। हाँ ओके भाऊ। चला चला लवकर चला, कॉलेज मध्ये सगळ्यांना मिळवायचं आहे। ठीक है दादा ठीक है। रीमा 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 प्लीज एक मिनट रीमा, तुमसे बात करनी थी। अरे नहीं मुझे कॉलेज जाना है। आज तो अमावस है, आज के दिन कॉलेज क्यों जा रही हो? ए रीमा मेरे लिए रुक जाओ ना, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़ जाए। मैंने कहा था ना मेरी बात न मान के जा रही थी। बेकार की बात मत करो चलो। अरे अरे रुको रुको भैया, धन्यवाद तुम्हारा। ये लोग मराठी में क्या बोल रहे थे, क्यों हड़ताल कर रहे थे, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। किसी का काम बनाया नहीं लेकिन हमारे लव का काम बन गया। सुनो अगर किसी को प्यार करना है तो वो यहाँ बेलगांव में आकर प्यार करे। चलो रीमा। ये क्या जब देखो कॉलेज कॉलेज, लेक्चर क्या हमारे प्यार से अच्छा है? छी कॉलेज में कोई लेक्चर सुनने जाता है क्या? लेकिन कुछ भी हो तुम भी बहुत अजीब इंसान हो। इसीलिए तो मैंने मामूली लड़की से प्यार किया है। ओह चेहरा देखो। अच्छा ठीक है तुम भी अद्भुत नहीं हो, मैं भी अद्भुत नहीं हूँ और ना ही हमारे जैसा यहाँ पर कोई और अद्भुत होगा, क्योंकि हम लोग वी आर लवर्स। ओके ओके ठीक कहा तुमने, हम में ऐसी ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कल तुम किसी लड़की को देखोगे तो मेरे अंदर किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए, और मैं अगर किसी लड़के को देखकर उस पे फिदा हो जाओ तो तुम्हारे अंदर कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। थोड़ा और इम्प्रूव करना होगा। हूँ धनिया ओके श्रीकरण वेरी गुड कीप इट अप। थैंक यू मैम। ओके लेट अस स्टार्ट। एक्सक्यूज मी मैडम, मैंने ब्लू बुक दी थी। मैं लेसन कल निकालूंगी। मुझे तो 17 मिले। और तुझे? जरा रुको ना, क्यों रे अच्छे नंबर लिए। मैडम तुझे कीप इट अप बोल रही थी। 24 मिले 25 में से। देखा इसे, इतने नंबर कैसे मिले? तू तो किसी लड़की के प्यार में पड़ा हुआ था ना। अच्छा ये बता वो पटी की नहीं? लड़की से प्यार भी हो गया है, विलन की एंट्री भी हो गई है। ए, ये तू क्या बोल रहा है विलन? अरे हाँ भाई, उसकी तरफ से कोई आया था रुकावट डालने के लिए। कौन था? उस दिन उस लड़की से मिलने के लिए गए थे ना, वहाँ कैंपस के पास खड़े थे ना वही लोग। क्या कह रहे थे? उन लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। उन्होंने मुझसे साफ कहा कि दोबारा अगर लड़की की तरफ देखा तो मार डालेंगे। ए, तुझे पूछना चाहिए था ना कि वो कौन है। पूछा था लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वो आए मुझे धमकाया और चले गए, एक नहीं दो तीन लड़के थे। ये अलग मुसीबत हो गई। ए, वहाँ क्या हो रहा है? चेतावनी दी लेकिन कुछ नहीं। अम्बेडकर जयंती है, भाषण दे रहा है, किसी को क्लास में नहीं जाने दे रहे। क्यों नहीं जाने दे रहे? अम्बेडकर जयंती के लिए कॉलेज ने प्रोग्राम रखा है, उस सावलकर को चीफ गेस्ट बुलाया है, इसीलिए सारे लड़कों को मीटिंग में आना है ऐसा बोल दिया है। लेकिन इसे इतनी दिलचस्पी क्यों है? ओहो ये बेलगांव का नेता बना हुआ है ना, वहाँ के लोगों से साइन भी करा के रखे हैं। ये सावलकर मराठियों का नेता बना हुआ है, इसलिए लड़कों को इकट्ठा करके अपनी मीटिंग को ये सक्सेस बनाना चाहता है। ओहो आजकल यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लीडर आने लग गए हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। चलो चल के देखते हैं क्या बोल रहा है।
ये छोटा आंदोलन नहीं, और भी बड़ा होगा। आवाज यहाँ होगी और वहाँ जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं ना, वहाँ पहुँचेगी, उनके कानों में गूंजेगी। ये सब करते हैं ऊपरी अधिकारी लोग, उन्हें हिलाना है। आज से पहले ऊपरी अधिकारियों के सामने कई बार हमने हमारी मांगे रखी हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चेतावनी दी और ये भी कहा कि एक दिन तुम लोग बहुत ही पछताओगे। सब ने सुना और वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं। मैं चलता हूँ यार, मुझसे बैठा नहीं जा रहा। चल यार, मैं भी चलता हूँ। तो पूरे राज्य में आंदोलन होंगे। अधिकारियों को बार बार चेतावनी दी जाती है, लेकिन उनके कानों पर जून तक नहीं रेंगती। ओए, ये मीटिंग संपे पर्यंत कोई बाहर रहे तो नहीं। चला आज, चला चला। ये क्या कह रहा है? ए, मीटिंग खत्म होने तक कोई नहीं जा सकता है, बोल रहा है। समझ गया ना? क्यों नहीं समझूंगा, मीटिंग हो रही है तुम्हारे लिए, तुम अटेंड करो, हमें बीच में क्यों ला रहे हो? ओए, बेकार में टांग मत अड़ा, जाओ उधर। इसमें टांग अड़ाने वाली बात क्या है? हाँ, गुंडागर्दी है। ओए, तो क्या तू गुंडा है? देखना चाहता है। ओए, चुपचाप यहाँ से चला जा। तू क्या करेगा? या नहीं? ए, भाग जा यहाँ से यार, चल। क्यों, क्या करेगा? क्या है, क्या हुआ, क्या हुआ रे, क्या हुआ? जा यहाँ से, चल भाग। वो बीच में क्यों आया? कौन था वो? उस दिन मैंने बताया था ना यार कि वेलन की एंट्री हो गई है, वो यही है। हे, वो तो गुंडा है। तो क्या हुआ? अरे वो अच्छा इंसान नहीं है। हे, पता है उसके दिल में कन्नड़ वालों के लिए बहुत नफरत भरी हुई है। तू जरा होशियार रहना, वो कुछ भी कर सकता है। राज्य में क्या हो रहा है? रिश्वतखोरी बढ़ गई है, अधिकारियों की बदली की जा रही है, वो भी जबरदस्ती। ये कॉलेज विद्या का स्थान है, यहाँ पढ़ाई की जाती है, सरस्वती का मंदिर है, लेकिन बड़े बड़े लोग इसका गलत उपयोग करते हैं, इसे व्यापार बना दिया है, लोगों में जहर घोलने लगे हैं, जाति धर्म भाषा इन सब की आड़ लेकर राजनीति करते हैं। ये जो स्थान है, यहाँ से हमारे देश का भविष्य जुड़ा है। हमें ड्यूटी ज्वाइन करते हुए शपथ दिलाई जाती है कि किसी बेगुनाह को सजा ना हो, लेकिन क्या करें, ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि उसे छोड़ दो। अगर आप में जागरूकता आ जाए तो आप खुद किसी भी पुलिस वाले से, राजनेता से या इनसे सवाल कर सकते हैं। आपकी सहायता करने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए किसी अच्छे नेता को चुनें। पढ़िए, ये पढ़ने की उम्र है, और डिग्री प्राप्त कीजिए। वैसे यहां किसी ने भाषण में बहुत अच्छा कहा, हाँ उन्होंने सही कहा, लेकिन किसके बारे में कहा मैं अच्छी तरह जानता हूं। नमस्ते, जय हिंद। क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? नहीं कुछ नहीं। कुछ भी हो बताओ ना। अरे कहा ना कुछ नहीं। सुना मराठी लोग अच्छा खाना बनाते हैं, नहीं कभी अपने घर का खाना खिलाओ ना। खा सकते हो तो आ जाना, जरूर खिलाऊंगी। यहाँ बैठ जाओ। अरे मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? बस ऐसे तुमसे बात करने के लिए, सोचा नई जगह पे चलते हैं। ये बात है, कल भी अगर ऐसे ही सूजा हुआ मुंह लेकर आओगे तो आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी यही बात है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ और कितने घंटे रुकेंगे? क्यों पूछ रही हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? ओहो, बड़े आए। क्यों, प्यार करने वाला जोड़ा है? जरा साइड में होके करो, क्योंकि मेरे ऊपर भी असर हो रहा है। सॉरी, चलो उधर चलते हैं, जहाँ जाओ कोई ना कोई मिल जाता है। क्यों माधव राव जी, अच्छे तो है ना? पढ़ाई तो ठीक चल रही है ना? हाँ। खूब अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, देख लिया मैंने। गांव जा रहा हूँ, चलो। हाँ। ओहो, ये कौन था? हमारे ही गांव का है। तो उसके लिए? ये एक नंबर का चुगली खोर जो है। मुझसे शादी करोगी? छे, और कुछ नहीं बोल सकते, बात करने के लिए रोज लेकर आ गए, रोज देकर लव करने की बात कही, लव करने के बाद शादी की बात कर रहे हो, कोई मजाक सोच रहा है क्या? सीरियसली पूछ रहा हूँ, करोगी या नहीं? हे, लव करने के लिए कोई और, शादी करने के लिए कोई और, मैं क्या अमेरिका से आई हूँ? ओके। Thank you.
माँ माँ बाइक में तो कब से आने लग गया? तुम वहां बैठ जाओ। उसे बाहर क्यों बैठा रहा है? अंदर लेके आ। पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं बताता हूँ माँ, चलिए अंदर चलिए, आप भी चलिए। अरे बात क्या है? मैंने कहा ना पिताजी, आइए सब बताता हूँ। ए, छोड़ मुझे, तू क्या बताएगा? आपका नाराज होना मैं जानता हूँ, सच मानिए हमने कोई गलती नहीं की है। मुझे ये लड़की अच्छी लगी और इसीलिए मैं आप लोगों से मिलाने के लिए ले आया। पता है मैं क्या उसे कहीं और लेके गया हूँ? यहाँ मेरे प्यार से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोगों से पूछे बिना मैंने कभी कुछ किया है? देखिए मैं साफ साफ कह रहा हूँ, अगर आपको मुझ पर भरोसा है और स्वीकारते हो ओके, और नहीं तो मना कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं है। ये क्या रे, जो मुंह में आया बके जा रहा है। माँ आप चुप रहिए ना, हमें बताने से क्या होने वाला है, अच्छे बुरे का तुम्हें पता होना चाहिए। ए, कॉफी देने के बदले तू यहाँ खड़ी है? तुम ऐसे मुझे यहाँ क्यों ले आए? क्यों? उल्लू हो। ए, ये क्या कह रही हो? अब छोड़ो। मेरी छोटी बहन। ए, मुझे नहीं दोगी क्या? सदानंद जी, सदानंद जी। ओ, आप आए हैं? हाँ बोलिए। पहले थोड़ा सा पानी तो लाओ, बाद में बात करूंगा। लाती हूँ। मायावी है तू तो। कुछ बोलने वाले थे? अरे फिर कभी आके बताऊंगा, छोड़ो। तुम लोगों को तो किसी नाटक कंपनी में चले जाना चाहिए। इन्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई जवाबदारी तो है नहीं, कष्ट क्या होता ये नहीं जानते हैं। अगर ये लोग भी मेरी जगह होते ना, तब इन्हें पता चलता कि पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है। मैंने उस दिन दीपकों के बारे में बताया था, रोज 3 किलो तेल लगता है जलाने के लिए, वो भी शुद्ध मूंगफली का तेल। चलो यार चलते हैं। कष्ट इन लोगों से नहीं झेला जाएगा। देखो मैं तो बिल्कुल ओपन माइंडेड हूँ, मैं जिस लड़की से प्यार करूंगा वो सिर्फ मुझसे ही प्यार नहीं करनी चाहिए, वो मेरे माता पिता को भी चाहेगी, तो ही मैं उससे प्यार कर पाऊंगा। देखो अच्छा क्या होता है बुरा क्या होता है इसका हमें ज्ञान होना चाहिए, ये मेरी पॉलिसी है। और हाँ, जिंदगी में प्यार जितना जरूरी होता है उससे भी जरूरी होता है उसे जिंदगी भर निभाना। ये बात आजकल के लड़के कहाँ जानते हैं। जाओ ना, नहीं तो मेरा घर आ जाएगा। लेकिन अभी आया तो नहीं है ना। क्यों, नहीं तो घर में आ जाओगे। बोलो भी तो आ जाऊंगा। जाओ ना। ओ रीमा। ओए, तू इसका पीछा नहीं छोड़ेगा क्या? क्यों रे, यहाँ क्यों आता है? क्यों, ये एरिया तुम्हारे बाप का है क्या? क्यों रे, तुम लोगों को कोई और काम नहीं है क्या? अगर कोई प्यार करता है तो उसमें रुकावट डालना ही तुम्हारा काम है क्या? हा? चल जा। ए काना, चल जा, जा भाग। ए, चल भाग। तू मत बोल, पहले मेरी सुन। मेरी बात पहले तू सुन। मेरी बात सुनेगा या नहीं? जैसा मैं बोल रहा हूँ बोल। सचिन के खेलने से हम कौन सा मैच जीते हैं? अरे जाना यार, तू क्या जाने, बेकार में मत बोल। उसके जितनी सेंचुरी किसी ने बनाई है, उसके जैसा रिकॉर्ड किसी ने बनाया हो तो बता। रिकॉर्ड रिकॉर्ड यहाँ कोई नहीं देखता है, उसने कितने मैच जीता है बस ये बता। ए, सचिन के बारे में क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये क्या बोल रहा है यार? तू चुप रहना यार, ये जब देखो सचिन की ही बात लेके बैठ जाता है, जब भी वो सेंचुरी मारता है। सुनो अब मैं चलता हूँ। तू भी बेकार में उसके सामने सचिन की फेवर करता है। क्यों, वो भी मराठी है ना? ओ, वो भी मराठी है इसलिए ना? अरे उल्लू के पट्टो, मैच देखना चाहिए ना, ये वो है वो ये है, किस तरह की बातें कर रहे हो? गलती तुम लोगों की नहीं है,
गांधी जी, अंबेडकर, तेंदुलकर, ये जो नेशनल फिगर है ना, इन्हें ये मेरा है बोल बोलकर आपस में बांट लिया। और इसमें भी खास बात क्या है पता है, इनके ऊपर भरोसा रखकर दूसरों के मन में जहर घोलते हैं पता है। वो रहा। ए, तू भी छोड़ना यार, बेकार पे तू उस पे चिल्ला रहा है, इस पे चिल्लाने से क्या फायदा। ए, चल भाग। ए राजू चल उठा जल्दी, गेट बंद कर। अरे क्या हुआ? हल्की चोट लगी है। अरे हुआ क्या? इसका खून निकल रहा है, कोई बैंडेज देना। वो इस वक्त कहाँ मिलेगा? अरे हाँ, ये बैंडेज के बदले कॉफी का पाउडर लाके लगाएंगे ना तो खून जल्दी बंद हो जाएगा। अच्छा तू दबा के रख, मैं कॉफी लेके आता हूँ। हे करण, तू मजा यार, वो लड़के वहीं पे खड़े होंगे। अब क्या करूँ यार, देखो मैं जल्दी आ जाऊंगा, इसे संभालना प्लीज, ख्याल रखना इसका। ए करण, भैया कॉफी का एक पैकेट देना। काय दियो? भैया मुझे मराठी नहीं आती है, प्लीज मुझे कॉफी का एक पैकेट देना। ए काय दियो? भैया बहुत जरूरी है, जल्दी दो ना। अरे तो दोस्तों, ये अरे का थोड़ा इतने का प्लीज जल्दी दो ना भैया, दो ना भैया, दो ना प्लीज, दो ना। हे अबे जाना। करण, मुझे नहीं लगता है वो छोड़ेंगे। ये सही कह रहा है करण, तू इसकी बात मान ले, वो हमारे जैसे सीधे लोग नहीं है, अगर ऐसा ही रहा तो पता नहीं क्या होगा। एक काम कर, उसे भूल जा। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म। First one is mechanical energy. The second one is light energy. Hello, तुम मुझे love करने के लिए मना कर रहे हो? रीमा। अरे क्या हुआ, तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो, आखिर बात क्या है? अभी भी रोज देना नहीं भूले? अरे कल तुम्हारा बर्थडे है ना। क्यों, तुम कल बर्थडे में नहीं आओगे? ऐसी बात नहीं है लेकिन। अरे? अच्छा तुम एक काम करना, सुबह सुबह कॉर्नर पर मिलना, मैं वहीं पे आऊंगा। ओके, वो लड़का रीमा के साथ है, 2 मिनट टाइम दिया। यहाँ ये सब करने की जरूरत नहीं है, त्याला कुठे धरायला पाहिजे मला माहिती आहे रे। चल तू चल, ए चलो। रीमा जी, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। ए तुम पहले नीचे उतर के आओ। यही बोलने के लिए ऊपर चढ़े थे क्या? ऐसी बात नहीं है, ये लो। दरअसल कुछ लोग, खैर वो सब छोड़ो, तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ पता है? क्यों? ताकि तुम भी यहाँ की महावीर रानी की तरह वीर महिला बनो, इसके लिए। मैंने सही कहा ना? हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ आओ, तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। क्या है ये? अगर यहाँ खड़े होकर पानी डालेंगे तो पूरे किले को पानी सप्लाई होगा। देखा, पुराने लोग कितने बुद्धिमान होते थे।
तुम भी वैसे ही इनके जैसे बढ़िया इंजीनियर बनना, दूसरों की तरह बेकार के इंजीनियर मत बनना। चाहे कुछ भी कहो, ये जगह बहुत अच्छी है। मैं आज यहाँ पर पहली बार आई हूँ। यहाँ लाने के लिए तुम नहीं थे ना? तुम लोग तो यहाँ अक्सर आते होंगे, क्योंकि यहाँ बैठकर तुम सिगरेट जो पीते होंगे। ये सब तुमने कैसे जान लिया? क्या लड़के ही सिर्फ लड़कियों को देखते हैं? हम भी लड़कों को देखते हैं। अब क्या करें, कुछ भी करने से सब बेकार जो हो जाता है। ऐसा क्यों? तुम जैसी मामूली लड़की से प्यार जो किया। गुस्सा आ रहा है ना मुझ पर? गुस्सा आ रहा है ना? मैं जानता हूँ मुझ पर गुस्सा आ रहा है। क्यों नहीं आएगा? जब देखो ये रोज लेकर आ जाते हो। एटलीस्ट बर्थडे पे तो गिफ्ट देना चाहिए ना। इतनी सी बात है ना, जरूर दूंगा। ये सब क्या है? पूरा शमशान घाट की तरह लग रहा है। कोई बस नहीं है, कोई ऑटो नहीं है, और सारे घर एकदम बंद है। लगता है जरूर दंगा हुआ है, इसीलिए बंद लग रहा है। अब घर कैसे जाएंगे? अरे पहले तो यहाँ ऐसा नहीं होता था ना। बंद कर करके स्टेट की हालत खराब कर दी है। करण, पहले घर जाने के बारे में सोचो ना। ठीक है चलते हैं। कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, कैसे जाएंगे? आओ आओ जल्दी आओ। जल्दी चलो। जल्दी इधर चलो। क्या हुआ? वो लोग हमारे पीछे क्यों पड़े? हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, बाद में सब बताऊंगा। चलो आ जाओ। वो लोग सारे मेरे भैया के दोस्त हैं। तुम यहाँ से चले जाओ, वो मुझे कुछ नहीं करेंगे। प्लीज मेरी बात मानो, जाओ। दरोजे गल रहे हैं।
शांत हो जाओ, सब लोग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं आ गया हूँ ना, अब कोई फिक्र मत करना। ये काम किसने किया है और किसने करवाया है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत हो गया, चुप रह रहे के बहुत हो गया। देखो अब चुप रहने से कुछ नहीं होगा, हम सबको एक होना पड़ेगा। हम लोगों ने बहुत अत्याचार सहे, लेकिन कब तक सहते रहेंगे? अब चुप बैठने से कुछ नहीं होगा, अब परिवर्तन लाने का समय आ चुका है। लेकिन तेरा समय खराब आ गया है, जो तू यहाँ पर आया है मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। जब भले आदमी डीसी का तूने ट्रांसफर किया तब कहाँ गया था, अब क्यों आया है? आना तू यहाँ वोट लेने, तुझे एक वोट भी नहीं देंगे। सर आइए, सर आइए, आराम से आराम से। सुनो कार का दरवाजा खोलो। अरे कहाँ मर गए थे, दुश्मनों के हमला करने पर तुम कहाँ थे? सर आपने तो कहा था लेट आने के लिए। किसी टेंशन में मैंने बोला होगा, उसे सीरियस में क्यों लिया? आखिर तुम समझते क्या हो? कोई बात नहीं सर, पब्लिक बहुत है, आप चलिए प्लीज चलिए। ठीक है ठीक है, चलो चलो। हेलो हेलो, रीमा है क्या? हाँ है रीमा, है है। रीमा फोन आला है। हेलो रीमा, मैं हूँ, बात कर सकता हूँ? घर में सब लोग जान गए क्या? सच में तुम्हारे भाई ने आकर बताया नहीं? एक मिनट रुको। अच्छा वो तुम्हें मारने क्यों आए थे? ऐसा नहीं है, दो तीन बार पहले भी मिले थे और तुमसे न मिलने के लिए चेतावनी भी दी थी, मगर वो तुम्हारा भाई जैसा नहीं लगता है। सच में तुम्हारा भाई है? ओहो वो हमारे साथ नहीं रहता है, उसे घर से गए 6 साल हो गए। अच्छा लेकिन क्यों? दरअसल उसने घर नहीं छोड़ा, पिताजी ने उसे घर से निकाल दिया। दरअसल वो गुंडागर्दी करने लग गया था। करण तुम कहाँ से फोन कर रहे हो? एसटीडी बूथ से फोन कर रहा हूँ। उसकी नजरों में मत पड़ना, देखो होशियार रहना, उसके दिल में नफरत है, वो एकदम, उससे बचकर रहना। मुझे बहुत डर लग रहा है करण, वो कहीं कुछ कर ना बैठे। अरे उस दिन तो बहुत मजा आ गया जब वो सबके सब उसके पीछे पड़ गए, कुत्ते की तरह दौड़ाया। ये क्या कर रहा है? क्या हुआ तुझे? गुंडों से पिटवाता है। अरे अरे मैंने कुछ नहीं किया। क्यों? नहीं भैया मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे पीछे क्यों? मैंने तो कुछ भी नहीं किया भैया, मुझे छोड़ दो। रहने दे यार, कुछ मत कर करण। अबे जा रहा। हाय। पेड़े क्या? हे मला यूएस ला नौकरी मिळाले, पेड़े क्या रे? मिठाई क्यों बांट रहा है? उसे किसी कंपनी में नौकरी मिल गई है, अगले साल अमेरिका जाने वाला है, इसीलिए सबको मिठाई बांट रहा है। ओके। क्यों बे? ओए, पिछली बार की मार भूल गया क्या है? ऐ! तो ऐसी की तैसी है करण, क्या कर रहा है? छोड़ दे छोड़ दे। छोड़ना उसे यार, छोड़, उसके साथ क्यों भिड़ रहा है? छोड़ दे उसे, छोड़ना यार, छोड़ मुझे छोड़। हे तुमसे मैंने कहा था मेरे बीच में कोई आएगा तो मैं खुद देख लूंगा। हेलो वीरेंद्र। अरे भैया मैं बात कर रहा हूँ, एमएलए का पीएस सिन्हा। नमस्कार। हाँ साहब जी, तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, एक मिनट देता हूँ।
नमस्कार एमएलए साहब। नमस्कार वीरेंद्र। आप अच्छे तो है ना? तुम हो कहाँ? इतने दिनों तक अंडरग्राउंड क्यों हो गया था? क्यों मेरे घर नहीं आओगे क्या? अरे हमें अपना नहीं समझता है क्या? अरे ये कौन सी बड़ी बात है? देखो तुम कुछ चिंता मत करो। ठीक है मैं हूँ, आ जा। मगर वहाँ परेशान मत हो, मैंने एसपी साहब को फोन कर दिया है। तुम आराम से घूमो फिरो, कोई भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ठीक है तो मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है। साहब जी देख लेना, ये सांप है कभी भी डस सकता है। उसने संजय को आराम से टपका दिया, वो हमारी चाल को समझ गया है। समझ जाइए। राजनीति को तू क्या समझता है? दुश्मनों को अपना बना के रखना ही राजनीति है। बड़ा आया मुझे समझाने के लिए। ठीक है एसपी को फोन लगा, ले फोन लगा ना। हेलो साहब, बात करना चाहते हैं। ठीक है दो। क्यों एसपी जी? हाँ बोलिए सर। ये क्या, वीरेंद्र वापस आ गया? उसका केस रीओपन मत करना, कुछ दिनों तक घूमने दो उसे, उसे उसके हाल पे छोड़ दो। क्यों सर? ये सारी बातें फोन पे नहीं बता सकता, इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ। ओके सर। पता नहीं क्या समझते हैं, जो मन में आए बोलते हैं। वीरेंद्र को घूमने दूं? कौन? वीरेंद्र भाई से मिलने के लिए आया हूँ। कौन है, मुझसे क्यों मिलना है? सर मैं आपसे ही मिलने के लिए आया हूँ। उसके लिए मेरे घर आओगे? दरअसल एक जरूरी बात थी। मेरा नाम है करण, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरा गांव है त्रिलोकपुर, यहाँ मेरा अपना कोई नहीं है। मुझे आपसे थोड़ी सहायता चाहिए। कैसी सहायता? सर रीमा नाम की एक लड़की है, हमें एक दूसरे से आपस में बहुत प्यार है। वो मराठी है और मैं कन्नड़ हूँ, बस एक इसी वजह से वो हमें अलग करना चाहते हैं। ऊपर से उसका जो भाई है वो एक बहुत बड़ा गुंडा है सर। बैठ के बात करो ना। हाँ। लड़की बहुत मासूम है, उसका इससे क्या लेना देना? वो मुझसे प्यार करती है इसलिए, क्या ये दुनिया का बहुत बड़ा जुर्म है? मैं कॉलेज का एक अच्छा विद्यार्थी हूँ, यकीन नहीं तो पूछ सकते हो। वो भी मेरी ही तरह इनोसेंट है, किसी के भी ऊपर कभी उसे गुस्सा नहीं आता है। वो हमेशा अपनी दुनिया में रहती है। जब वो जरा सा मुस्कुराती है ना तो मैं उसकी मुस्कुराहट में दुनिया भूल जाता हूँ। उसके चेहरे पर मैंने कभी गुस्सा नहीं देखा। दुनिया में ऐसी लड़कियाँ बहुत कम होती है। मुझसे उसने प्यार किया, इसी कारण से वो अपने भाई से डरने लगी है। ये तो एक तरह से अन्याय है ना? वैसे इसका कारण मैं नहीं हूँ, उसके घर में जो दूसरे हैं, उसके माँ पिताजी, उन्हें इस प्यार से कोई आपत्ति नहीं है। एक बात जान ले, अगर किसी में लफड़ा है तो उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। दुनिया में लड़कियों की कमी है क्या? तू नादान है इसीलिए तुझे समझा रहा हूँ। उसे छोड़ दे, किसी और से प्यार कर ले। अच्छा उसका भाई कौन है, वो करता क्या है? वो एक गुंडा है इसलिए उसे घर से निकाल दिया है। नाम है महादेव, जो मराठियों का नेता बना हुआ है ना, उसी के साथ में मिलकर गुंडागर्दी करता है। कौन? वो जो मुझे मरोड़ता रहता है वही? हाँ वही वही। वो तो अगर मुझे कहीं देख ले तो छिप जाता है। जा तो चिंता मत कर, कल आके उसे देख लूंगा।
प्यारी, आई एम सॉरी, हम तो है प्रेमी रे। बोलो बोलो प्रेमी बोलो, मैं तो हूँ रोमियो। मेरा प्यार है ये, मेरा दिलदार ये, जिंदगी मेरी है ये। रोकेगा जो भी मुझे, कर दूंगा मैं लंगड़ा उसे। रोकेगा जो भी मुझे, कर दूंगा मैं लंगड़ा उसे। ब्रह्मचारी आई एम सॉरी, हम तो है प्रेमी रे। बोलो बोलो प्रेमी बोलो, मैं तो हूँ रोमियो। हीरो होंडा ये बाइक चली, देखो ये मेरी है मन चली। हाय रे हाय, अब तू रोले, मुझको जाने न तू। मेरी मंत्र है ये, मेरी ताकत है ये, जिंदगी मेरी है ये। रोकेगा जो भी मुझे, कर दूंगा मैं लंगड़ा उसे। रोकेगा जो भी मुझे, कर दूंगा मैं लंगड़ा उसे। ब्रह्मचारी आई एम सॉरी, हम तो हैं प्रेमी रे। बोलो बोलो प्रेमी बोलो, मैं तो हूँ रोमियो। हम तो हैं प्रेमी रे। बोलो बोलो प्रेमी बोलो, मैं तो हूँ रोमियो। मेरा प्यार है ये, मेरा दिलदार ये, जिंदगी मेरी है ये। रोकेगा जो भी मुझे, कर दूंगा मैं लेड़ा उसे। रोकेगा जो भी मुझे, कर दूंगा मैं लेड़ा उसे। ले दवाई खा ले। तू भी क्या यार, बेकार में वहां पर गया था। उससे मिलना था तो बाद में मिल सकता था ना। बेकार में तू उसके भाई से जाके पंगे मोल लेता है। ये मोटू इतना खुश क्यों है? हेलो। हेलो। यस, कौन बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है जरा पहचानो। पहचाना नहीं, कौन है? तुम्हारे साथ जो उस दिन लड़का बात कर रहा था ना। ए तुम कौन हो? चिदानंद। कौन चिदानंद? वही उस दिन जो होटल में तुम्हें मिला था। हाँ हाँ बोलो। वाह क्या कहना, व्यक्ति व्यक्तित्व इन सब के बारे में बात की लेकिन अपना नाम बताना भूल गया। अच्छी तो है ना? हाँ मैं तो अच्छी हूँ। ये फोन किस लिए किया? दरअसल मैंने फोन क्यों किया ये बात जानना चाहती हो या बहुत दिनों के बाद फोन किया इसकी वजह से मुझ पे गुस्सा हो? छे छे ऐसा कुछ नहीं, बोलो। दरअसल इस वक्त मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। लगता है क्रॉस कनेक्शन जुड़ गया है। करेक्ट, इतने दिनों से लाइन क्रॉस जा रही थी लेकिन लगता है अब स्ट्रेट हो गई है।
हाँ तो कहो। तो कह दूं? हाँ कहो ना। मैं हेलो। मैं हेलो। हाँ बोलो। हाँ मैं सुन रहा हूँ। छे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे सुनाई दे रहा है। हेलो हेलो। ठीक से सुनाई दे रहा है ना? हाँ कहो। हेलो हेलो। बाप रे। हो बहुत ही छुप छुप कर तुमसे प्यार कर रहा हूँ। तुम्हारा भाई जो बीच में आता है। अगर हिम्मत नहीं थी तो तुमने प्यार क्यों किया? ओहो तुम्हारा भाई एक गुंडा है, वो मुझे जान से मार देगा, ऐसा सोच रही हो? वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। बस चुप रहो। अच्छा तुम एक बात पता है, मेरे लिए तुम अकेले नहीं, आजकल मेरी डिमांड बढ़ गई है पता है। ओहो, नया बकरा कौन है? उसका नाम बताओ, मैं उसे जाकर बता दूंगा कि मेरे जैसे बलि का बकरा मत बनना। अरे तुम्हारा फ्रेंड चेदानंद। क्या वो मोटू? क्या कहा उसने? उसने मेरे घर फोन किया था और अपनी विरह वेदना मुझे बता रहा था। हे होटल में तुमने तो उसे इंट्रोड्यूस कराया था, वो वहीं से शुरू हो गया था। मैंने तुमसे बताया नहीं बस इतना ही। एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे एक डाउट है। ए चुप बैठो। सच में डाउट है? सच वच कुछ नहीं, चुपचाप बैठ जाओ समझे। नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी मैडम, हमारे माता पिता दुख उठा के हमें पढ़ाते हैं और हमारे डाउट्स क्लियर करना आपका कर्तव्य है। इस तरह से आप डराएंगी तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पे बहुत से मजदूरी करने वालों के बेटे हैं, वो लोग रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, और ऐसे गरीब बच्चों को पढ़ाना आपका कर्तव्य है। ए, स्टाफ रूम में आओ। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कोई संस्कार नहीं दिए क्या? तुझे डाउट कौन सा है? नहीं मैडम दरअसल इतने दिनों से मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, तू क्या कर रहा था? टेस्ट के लिए 3 महीने बचे हैं। बातें तो गांधी जी की नेहरू जी की करता है, बड़ी बड़ी बात करता है, तू इस तरह का नाटक क्यों करता है? छे छे मैं भी उल्लू बन गई। सुन अगर आइंदा तूने क्लास में ऐसा किया, कोई डाउट पूछा तो क्लास में ही मैं सबके सामने तुझे पीटूंगी। अपनी बातों से दूसरों को उल्लू बनाना चाहता है, चल जा नेट पे डाउट क्लियर कर। मैडम आप तो मेरे दिल की प्रेरणा है। छी गेट आउट। क्यों सर, स्टाफ रूम में जाकर मीटिंग कर रहे थे क्या? अरे छोड़ो ना यार, हमारे कॉलेज के जो लेक्चरर्स हैं ना, वो खुद को पता नहीं क्या समझते हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखते हैं। तुम कुछ भी कहो, आज मैंने उसकी क्लास ले ली। तूने ली या उन्होंने क्लास ली? अरे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तेरी तो क्यों बे? रीमा को फोन करता है। रीमा को, ए मोटो तू क्या बहुत बड़ा आशिक है? तेरी तो तुझे उससे इंट्रोड्यूस क्या कराया, तू तो गले ही पड़ने लग गया। देखो भाई मैं कॉलेज में मस्ती करने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे माँ बाप ने दुख उठा के मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, मेरे कंधों के ऊपर जवाबदारी है। छोड़ ना, ए जा जा नहीं तो तेरी। देखो करण कॉलेज के बारे में मुझसे कुछ मत कहना। अरे ये क्या कह रहा है? ठीक है भैया कुछ नहीं कहेंगे। अबे जा। ए मोटू पिक्चरों के बारे में ज्यादा मत सोचना, नींद हराम हो जाएगी। हाँ ठीक है सर मैं आ जाऊंगा, आपकी बात भला मैं कैसे टाल सकता हूँ। थैंक यू सर, थैंक्स। हाँ मैं आ जाऊंगा आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, हाँ आप उसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा। थू राजनेताओं पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, ये किसी के नहीं होते हैं। ये उस एसपी के साथ मिलके मुझे टपकाना चाहता है और मुझे अपने घर बुला रहा है। मैंने जिसके बारे में कहा था ना, ये वही है, अपने ही गाँव का है। नमस्ते सर। हाँ हाँ। ए जरा सी चढ़ा ले। नहीं मैं नहीं पीता हूँ। अरे थोड़ी सी चढ़ा ले। नहीं सर। अच्छी नहीं लगती है? नहीं सर मुझे नहीं पीनी है। क्या कह रहा है महादेव? अब वो क्या बोलेगा, उसकी हवा जो निकल गई है, आपको उसने बस स्टॉप पे जो देख लिया है उसका चेहरा देखने जैसा था। एक बात है, लड़की बहुत सुंदर है, तेरे साथ उसकी बहुत जमेगी, चॉइस बिल्कुल सही है। अरे आदमियों को तो बस ऐसे ही बनाया गया है, लेकिन भगवान ने औरतों की भी सृष्टि की। अब जैसे पृथ्वी आसमान ये सब बनाया है, ये सब क्यों बनाया पता है? हमारी सुविधा के लिए। लेकिन पता नहीं भगवान को अचानक ऐसा क्या दिखाई दिया जो सुंदर सुंदर लड़कियों को बनाया। स्त्रियों की सृष्टि इसलिए की ताकि पुरुष लोग मौज मस्ती कर सकें। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई, चलता हूँ यार। हाँ ठीक है, कल तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? हाँ। करण, अरे ओ करण,
करण, अरे उठना करण। वीरेंद्र भैया की मौत हो गई है। क्या? मैंने सुना है उनका पुलिस एनकाउंटर हुआ है। करण, महादेव तुझे सब जगह ढूंढ रहा है, कॉलेज में ही खड़ा है, वो तुझे मारने के लिए ही वहाँ खड़ा है। क्यों, सिक्योरिटी नहीं है क्या? सिक्योरिटी वाले सब उसके हैं। एक काम करो, इसे मैं अपने घर ले जाऊं, वहाँ इसे कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मामला शांत हो जाएगा तो आ जाएगा। तू जा यार। हाँ, तू इसके साथ जा, हमारी खातिर जाना यार, आ जा। चलना। जब मैंने बोला तब तो मारा नहीं, और जब मना किया तो मार डाला। छे 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 छे। जब एक मामूली सा एसपी मेरी बात नहीं मानता है तो मेरा एमएलए बनना बेकार है। जाके सीएम से बात करनी होगी। मुझे एमएलए की पदवी नहीं चाहिए, मुझे एसपी के जैसी कोई पोस्ट दे दो। और क्या कहूँ, अब इलेक्शन के लिए कौन बचाए, सब खत्म हो गए। तू एक काम कर, तू जाके स्वामी जी को बुला ला, माला पहन के मैं सबरीमले चला जाता हूँ। Hey, चल पहले खड़ा हो। अरे खड़ा हो ना, अगर दोबारा मेरे घर आया ना तो पैर तोड़ दूंगा। अरे साहब जी क्यों, मैं तो मोतियों को इकट्ठा कर रहा था। hey, आइंदा तो अपनी शक्ल मत दिखाना, चल भाग यहां से। हाँ, हे भोलेनाथ, इन्हें पता नहीं क्या हुआ। ये लीजिए साहब जी। ये अजीत, ये रे। कहाँ है? श्रीकंठला जाओ दे रे। करण, खाना शुरू करो, मैं पानी लाता हूँ। खाओ बेटे। हा? अपना ही घर समझो। ठीक है अंकल। काय कर तो, पानी दो इसे। सॉरी अजीत। कोई बात नहीं, तू एक्साइट हो गया था, बस इतना ही। अच्छा सुनो, हमारे घर में किसी को नफरत नहीं है, या मुझे ही देख लो, मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है। इतना ही नहीं, ये सब करने वाला कौन है हम ये भी नहीं जानते, पता है? करण, हमारी किस्मत हमारे ही हाथ में है। सही कहा अंकल, किसी काम के बारे में बोल रहा था इसीलिए यहाँ आया हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तेरे से मैं इतना जला करता था। एनीवे, I'm sorry अजीत, I'm really very sorry। अरे छोड़ ना यार। कौन हो? सर नमस्ते। नमस्ते सर, आप बुरा ना माने तो आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? आओ बैठो। थैंक यू सर। सर चेयर थोड़ी आगे कर लूँ? हाँ 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 हाँ। थैंक यू सर। सर मेरा नाम है करण, जेडी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ, अभी मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है सर। सर ये मेरे मैट्रिक के मार्क्स हैं, 92%। गुड। ये पीयूसी के, 90%। सर पीयूसी में मैथमेटिक्स में स्टेट में नंबर 1। गुड गुड गुड। और ये भी देखिए, इसमें भी फर्स्ट हूँ। सर मैं स्टेट लेवल का चेस प्लेयर भी रहा हूँ। सर मैं थर्ड ईयर में कैंपस सिलेक्शन से काम में लग जाऊंगा। ओके। अगर वो मिस हुआ तो स्पोर्ट्स कोटे में जरूर नौकरी मिलेगी।
ठीक है, उसके लिए यहाँ क्यों? हाँ सर, मैं त्रिलोकपुर का हूँ, इकलौता बेटा हूँ, घर में मेरी एक छोटी बहन है सर, मेरे अंदर कोई बुरी आदत भी नहीं है। कितने दिनों से ये सब चल रहा है? हाँ नो, आप जैसा सोच रहे नहीं है, मैं आपसे परमिशन लेने के लिए आया। क्यों रे, तो मुझे समझाने के लिए आया है? पढ़ने जाते हो या ये सब करने के लिए जाते हो? क्यों रीमा, तुम्हें कॉलेज पढ़ने के लिए ही भेजते हैं ना? अरे मैंने कुछ नहीं किया, वो बोल रहा था मुझसे प्यार करता है, मैंने कहा घर वालों से पूछूंगी। अच्छा सर, लड़की डर के मारे घर में कुछ नहीं कह पाती है, कह दे तो भी मुश्किल, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों होता है। सर मैंने तो आपको सारा साफ साफ बता दिया। सर मुझ में अगर कोई कमी है तो मना कर दीजिए, मैंने तो इससे कभी मिसबिहेव ही नहीं किया। सर प्लीज मेरी बात मान जाइए सर, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए सर, तभी मैं आपके पैर छोड़ूंगा। प्लीज मान जाइए ना सर, मान गए ना? तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने में अभी 3 साल बाकी हैं, उसके बाद कौन कहाँ होगा क्या पता। तुम अपने घर जाओ और पहले ठीक से पढ़ो, जाओ उसके बाद देखेंगे। थैंक यू सर। हाँ चलता हूँ सर। सर मैं कभी कभार यहाँ आ सकता हूँ ना? कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, ओके 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 ओके। महादेव, महादेव उठ बे, उठना महादेव, ऐ उठ रे, ऐ उठना। ओ बड़ा गुंडा, सावलकर का राइट हैंड, मेरा गुरु, समझ में नहीं आ रहा है, उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। ए उठना उठना। ए इस बेलगांव का नेता तुझे होना चाहिए था, इस बेलगांव को तुझसे ज्यादा कौन जानता है? कोई नहीं जानता है, इस सिटी में कुछ भी करो, कुछ भी करो मैं देख लूंगा, समझ रहे हो ना? नहीं। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। ए ए तुम मिर्ची जानते हो ना? मिर्ची जानता हूँ, वो जितनी तीखी होती है ना उतना तीखा हो, लेकिन क्या फायदा, मेरे लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। चल उठना यार। अरे उठना चल। छोड़ो, अरे छोड़ो ना, मेरा बाप बहुत बड़ा आदमी है, मेरी बहन के साथ कोई प्यार करता है उसके साथ शादी कराना चाहता है, उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मुझे लावारिस बना दिया। तुम्हें सांगितलं ना त्याला घेऊन आलो। बोलाओ महादेव। भाऊ यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है, वो कन्नड़ है, उसने घर आकर शादी का प्रस्ताव रखा और मेरे पिताजी का दिमाग खराब है, उन्होंने हाँ कर दी और ये संबंध मुझे पसंद नहीं है, अगर आप पिताजी को समझाएंगे तो आपकी बात मान लेंगे। बुलाता हूँ। ए, बुला के लाओ उसे। मास्टर नमस्कार नमस्कार, आओ बैठो। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इसके करतूतों की वजह से इसे निकाल दिया। छोड़ो ना मास्टर, ऐसा बोलकर क्यों दिल जलाती हो? ए, तू जा यहाँ से, जाओ जाओ। क्यों मास्टर तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ अगर तुम ऐसा करोगे तो समस्या का समाधान कैसे होगा? हाँ वैसे तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, हम जिसके लिए लड़ रहे हैं तुम उसमें रुकावट डाल रहे हो। क्यों मैंने क्या किया? इंजीनियरिंग कॉलेज की बात बोल रहा हूँ, वहाँ का वो लड़का, वो कन्नड़ वाला है जानकर भी अपनी लड़की देने के लिए कहा है। तो क्या हुआ, वो लड़का अच्छा लगा? हाँ कहा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये सब छोड़ दो और इसे समझाओ कि जीने के लिए अच्छा सा कोई काम करे। छेजो उसकी बात छोड़ो, अपनी बात करते हैं ना। ये छोड़ने जैसे कोई मामूली बात नहीं है, कोई लड़का मेरे पास आया शादी के लिए विनती की, मैंने उससे कहा पहले पढ़ाई खत्म करो फिर सोचेंगे, इतने में ही आपने मुझे बुला लिया, मुझे ये धर्म जाति भाषा में कोई विश्वास नहीं है,
ये हमारा विश्वास करना या ना करने का विषय नहीं है। हमें हमारे बच्चों को क्या सिखाना चाहिए ये बात यहाँ पे जरूरी नहीं है। कोई भाषा या किसी धर्म जात की बात नहीं है, हमारी समस्या और है, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मैंने तुम्हें यहाँ कुछ समझाने के लिए नहीं बुलाया, बस यही कहने के लिए कि लोगों की बात सुने और हमारी ताकत को बढ़ाएं। छोड़ो छोड़ो मास्टर, मेरे कहने का मतलब है मिलना जुलना बुरा नहीं है, लेकिन मिलने जुलने को शादी में बदल देना ये बात जरा थोड़ी सी खटकती है। अगर उससे ये शादी ना कराएं आप तो... कहना क्या चाहते हैं? यही ना, वो लड़का मेरे घर ना आए, बस इतना ही ना। मास्टर, माँ बाप बच्चों में झगड़े तो होते हैं, लेकिन वो झगड़े हमारे जैसे नहीं होते हैं। ए, तो इधर आ, हाथ ला, हाथ मिला ना मास्टर। ये हुई ना बात, हमें समझाने आए थे लेकिन कम से कम रीमा, मैं बाहर जा रहा हूँ। ए, एक काम करो, तुम लोग मेरे घर आ जाओ। छोड़ दे इसे, अब ये कभी यहाँ नहीं आएगा। मैं कह रही हूँ नहीं, नहीं आएगा। छोड़ दे इसे, छोड़ दे, कह रही हूँ ना, छोड़ दे। हेलो माँ। करण, इतने दिनों तक तूने फोन क्यों नहीं किया? पिताजी नहीं है क्या? नहीं, वो बाहर गए हुए हैं। चित्रा है? हाँ वो है। दू क्या? दो। देती हूँ। चित्रा, ये ले, तेरे भैया का फोन है। हेलो, क्यों भैया, जब से उस लड़की से प्यार हुआ हम लोगों को भूल गए क्या? हे, इस वक्त रीमा कहाँ है? माँ को देना। देती हूँ। माँ, खाना खा लिया बेटे? घर के खाने की याद आ रही है। माँ, मैं बाद में फोन करूँगा। माँ, ठीक है बेटे। क्या सोच रहा है करण? उसके भाई ने जाकर सारी बात सावलकर को बता दी और उसने बाप बेटे को फिर से मिला दिया। उसका भाई अब से घर में ही रहने वाला है। उसने किया? हाँ, क्योंकि उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो बहुत ही डेंजर आदमी है। हे, चुपचाप कटिंग कर, कैंची क्यों घुमा रहा है? चुप रहिए ना, कुछ नहीं होगा। आप नहीं जानते, भगवान ने इस हाथ में जो हुनर दिया है ना, बहुत ही सॉलिड हुनर है। हे, तू मुझे हाथ की रेखा के बारे में बता रहा है? मैं एमएलए को ही हिला के रखता था। राजनीति में जो कैंची चलती है वो इससे भी तेज होती है। मैंने अपनी सर्विस में कितना कमाया है तू क्या जाने, बात करता है। हे, चुपचाप कटिंग कर। नाम के लिए एमएलए का पिए, मैंने सोचा था कुछ और, लेकिन मेरे साथ हुआ कुछ और। इतने सालों तक मैंने उनके साथ काम किया, लेकिन अब निकाल दिया। इतना समझाने पर भी नहीं सुनता है। छे, सर सर सर, कुछ नहीं हुआ सर। सर, वहाँ वो मेरी बात नहीं सुनता है, यहाँ तू मेरी बात नहीं सुनता है। डायर तेरे की,
पता नहीं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। तुम आ जाओ, आ जाओ। भैया इसके चोट लगी है, जरा देख के। ये जो गया ना, जानते हो कौन है? एमएलए का पीए है। वो मुझे छोड़कर कभी कहीं नहीं जाता। मेरा तो रोज का काम है ना, अलग अलग स्टाइल में काटता हूँ। एक बार एमएलए साहब की कटिंग करवाने के लिए मुझे ले गया, लेकिन आजकल एमएलए साहब और इसके बीच में कुछ अनबन हो गई है। लेकिन अगर मैं उनसे कुछ कहूँ तो मेरी बात नहीं टालते हैं। क्या वो तुम्हारी हर बात को मानते हैं? हाँ हाँ। हे, तुम्हारे बारे में बात कर लिया, तुम बाद में आके मिलना। हे, ये क्या तुम लोगों ने इतनी भीड़ लगा रखी है? इसे मेरा घर समझा है या अपनी पार्टी का ऑफिस समझ लिया है? शांति, मेरे लिए और साहब के लिए चाय लेके आ। अच्छा। लोगों ने घर में रहना भी मुश्किल कर दिया है। हाँ आ जाओ, आ जाओ बैठो। हाँ हाँ आ जाओ, आ जाओ बैठो। नमस्कार सर। देखो भाई, जो कुछ भी तुमने मुझे बताया वो सारा साहब को विस्तार से बता दो। तुम पूछ लो, मैं बाद में बात कर लूंगा। जी ठीक है सर। मेरा नाम है करण। वीरेंद्र की बात कहो, वीरेंद्र का राइट हैंड है। बात क्या है? सर मैं वीरेंद्र के साथ पहले ही यहाँ आने वाला था। वीरेंद्र और ये मेरे पास काम के लिए आए थे। ए, उसे बोलने दे, तू बीच में क्यों? हाँ तू बोल। ठीक है सुन लो। कोई खास नहीं, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। मैंने सॉल्व करने का प्रयत्न किया। वीरेंद्र ने कहा साहब से मैं मिलने वाला हूँ, मैं उनसे बता दूंगा, वो जरूर तुम्हारी हेल्प करेंगे कहा। इस बीच वीरेंद्र का खून हो गया, मैं अभी खाली था, तब इन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ और आपके पास आ गया। तो आखिर बात क्या है? सर रीमा नाम की एक मराठी लड़की है, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। इसके लिए उसके पिताजी मान गए हैं, लेकिन वो नेता सावलकर हमारे बीच टांग अड़ा रहा है। मैं चाहूँ तो उस सावलकर को एक मिनट में मसल सकता हूँ, लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल मत करना, साहब से जाकर मिलो, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे कहा। तुम छोड़ो, मैं बताता हूँ। सर वो उस लड़की को इस लड़के को ना देने के लिए रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों समझे सर, वही तो पॉइंट है। अरे कौन सा पॉइंट? अगर हमारी लड़की को वो लोग मना करते हैं तो फायदा इसका किसको होगा? मैं बताता हूँ। देखो सर, हमारा गांव, हमारी जाति, हमारे लोग बोलना ये सब राजनीति है, ऐसा बोलने से किसी का फायदा नहीं होता है सर। हाँ तो? लेकिन मौके का फायदा उठाना चाहिए। आप वहाँ जाकर उन लोगों की अच्छाई के बारे में कहें, ये लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं, हमें इसमें कोई एतराज नहीं क्योंकि हम सब एक हैं। अब से यहाँ की तकलीफ मेरी तकलीफ, ऐसा बोलने से आपका प्रभाव पड़ेगा सर, समझ रहे हैं ना सर? हाँ वो तो मैं जानता ही था, लेकिन उस पे अमल करने का प्लान बना रहा था। उसकी जरूरत नहीं है सर, अगर आप कहें तो मैं डील कर सकता हूँ। अरे सर इधर आइए ना, आइए इधर आइए। वीरेंद्र के बदले ये यहाँ पर आया है। वीरेंद्र के पास ताकत थी, इसके पास ताकत के साथ साथ बुद्धि भी है। ए, वो तो मुझे उसकी आंखों में दिखाई देता है कि लड़का कितना खतरनाक है। बहुत मुश्किल से मिला है, इसे छोड़ना नहीं। मैंने छोड़ने की बात कब कही? एक काम करो, चौगले कुलकर्णी जोशी को बुला के लाओ, उनसे बात करनी है। जी ठीक है। कौन कौन आने वाले हैं? चौगले, कुलकर्णी, जोशी। इनकी मति खराब हो गई क्या? मैंने इन तीनों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पाटिल ने अपनी तरफ कर लिया। कहीं का मैटर ये कहीं और ले जा रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं। बाऊ नमस्कार। ओए, ये सब क्या है? तुझे क्या करने के लिए कहा था? तू मेरे लिए एकदम बेकार है। दरअसल इतना समझाने पर भी वो बाज नहीं आ रहा है। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को देख रहा था ना, और वो वीरेंद्र का राइट हैंड था ना? ऐसा कुछ नहीं है सर, पाटिल ने उसे बकरा बनाया है। उस पाटिल ने उसे नहीं, हमें बकरा बनाया है, उसके लिए क्या? चल जा, कल पब्लिक मीटिंग में जब वो बोले तो कुछ कलाकारी दिखा, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सर कल एक दिन का टाइम दीजिए। देखता हूँ तू क्या करता है। संसार में एकता की महत्वता बहुत है, लेकिन उस महत्वता को भूलकर
हमारे संसार की एकता छिन्न भिन्न हो जाए कोई बात नहीं, हमें एकता पर बने रहना चाहिए। मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से करवाता हूँ। इतना बड़ा त्याग किया अनिरुद्ध जी ने, अब कम से कम इनके त्याग को सफल बनाने के लिए हमें एक होना चाहिए। मास्टर जी, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। कन्नड़ और मराठी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वैसे आज के दिन यहाँ इतने लोग जमा होंगे मैंने सोचा भी नहीं था। हम लोग बच्चों को नादान समझते हैं, लेकिन हमें बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, आज की पीढ़ी का जो निर्मल मन है वो हम में क्यों नहीं है? कुल मिला के हम लोग एक हो गए हैं ना? देखिए, आज की ये एकता एक दो दिनों में सिमट के ना रह जाए, वैसी ताकतवर बने। अहल्या को श्राप से मुक्त करने के लिए स्वयं श्री रामचंद्र आए थे, वैसे ही हमारी एकता को बढ़ाने के लिए इस युवक को आना पड़ा। देखो भाई करण, तुम सबके मार्गदर्शन हो, ये बहुत अच्छी बात है। तुम दोनों जिंदगी भर खुश रहोगे। देखिए, उस लड़की की खुशी के लिए इसने कितना बड़ा त्याग किया है। आने वाले चुनाव का परिणाम हमारी इस एकता से जाहिर होता है। अबे ये क्या बोल रहा है? ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। अरे पाटिल, तुझे एमएलए बनाया ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। तूने आज तक हमारे लिए किया ही क्या है? लोगों को झूठे वादे देता है। छोड़ मुझे, छोड़। अरे छोड़ना, राजनीति छोड़कर मैरिज ब्रोकर बन जा। छोड़ना, वही तेरे लिए सही काम है। तू होता कौन है? मेरी बहन की शादी किससे करानी है मैं जानता हूँ, तू कौन होता है करवाने वाला? ये सब कराते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तुझे देख लूंगा मैं। मैं देख लूंगा, जा। देखता हूँ कैसे शादी कराता है। अगर रोक सके तो रोक के दिखाना। ये शादी मैं रोक के ही दिखाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा। तू कैसे शादी कराता है मैं भी देखता हूँ। तेरे साथ क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उस दिन मैंने तुझसे क्या कहा था? मेरे कहे मुताबिक तूने कुछ नहीं किया, क्या करेगा अब तू? क्या करेगा? ये शादी रोक दो। तू क्या करेगा मैं नहीं जानता, हमारे लिए ये शादी रुकनी चाहिए। बस बस एक दिन का टाइम लीजिए। जा तो रहा है, पता नहीं क्या करेगा। इसके हाथ में क्या है करने के लिए? ऐसे लोगों को रखकर राजनीति कैसे करेंगे? हाँ, उसे ही टपका दो। राजनीति में यह सब चलता है। जिस छोड़िए ना सर, बॉडी का पोस्टमार्टम करना है। तुम ये क्या बोल रहे हो? कोई कहीं भी आकर किसी का भी खून कर देता है। हम लोग चुप नहीं है सर, इसका खून हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन किसे चाहिए? सारे आम इस बेचारे का किसी ने आके खून कर दिया है, किसी ने ये खून करवाया है, लेकिन ये बात तुमसे बोलकर क्या फायदा? जाओ और जाके उसे अरेस्ट करो। तेरे साथ क्या करना है ये बोलने वाले उस पाटिल को अरेस्ट करो जिसने पब्लिक में बोला था। जाओ उसे अरेस्ट करो।
लाश को रख के राजनीति कर रहे हैं। Hey, तुम दोनों जाओ जाओ। हाँ उसे आने मत देना। ए, रोको उसे। पाटिल राव डाउन डाउन। पाटिल राव डाउन डाउन। पाटिल राव डाउन डाउन। पाटिल राव डाउन डाउन। पाटिल राव पीछे डाउन डाउन। डाउन डाउन। पाटिल राव डाउन डाउन। पाटिल राव डाउन डाउन। पाटिल राव पीछे हटो। डाउन डाउन। पाटिल राव पीछे हटो। डाउन डाउन। पाटिल राव 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 डाउन डाउन। हटो पीछे पीछे हटो। डाउन डाउन। पाटिल राव डाउन डाउन। पाटिल राव प्लीज 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 सर। डाउन डाउन। पाटिल राव डाउन डाउन। पाटिल राव डाउन डाउन। पाटिल राव सर आप गाड़ी में बैठिए। जल्दी बैठिए चलो हटो। ए बैठिए गाड़ी पीछे हटो। उनको बैठिए मेरा मोबाइल दे। हेलो। हाँ बोलिए सर। क्यों रे उन्होंने तुझसे बाजी मार ली ना? ऐसी कोई बात नहीं है सर। मेरे विरोधियों से मिलके उनका काम कर दो। मैं सबरीमले के लिए निकल रहा हूं। स्वामी शरणमय्यप्पा। क्या हुआ आपने मुझे बुलाया? क्यों इस पे पावर हाथ में हो तो जब चाहे गुंडागर्दी कर सकते हो क्या? गुनाह करने वाले को सजा मिलती है। अरे छोड़ो ना तुम बहुत बड़े ऑफिसर हो। इसमें बड़े की क्या बात है? मैं भी पावर में आऊंगा तब देख लूंगा और मैं क्या करूंगा ये तुम भी देखोगे। कहाँ जा रहा है? अरे छोड़ो मुझे उनसे मिलना है। अरे उनसे बोलो ना मुझे मिलना है। आओ यहां से। लोगों की एकता को ये क्यों बेकार में तोड़ना चाहता है? यहाँ दंगे फसाद सब यही कराता है। अरे जाओ यहां से। मैं चुप नहीं रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इसका नकाब उतार के रहूंगा। ये क्या समझता है हमने चूड़ियां पहनी है? जाओ। हम युवाओं की ताकत को ये नहीं जानता है। छोड़ेंगे नहीं इसे। ऐसा सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आती है ना? चल, सर चल, सर छोड़े ना सर। सर मेरी बात तो सुनिए सर। आप नहीं जानते इसने कितने बुरे काम किए हैं। ठीक है तुम जाओ मुझे और भी बहुत से काम है। सुनो उसको ऑफिस में लेकर आओ।
क्यों रे, बहुत गुस्से में हो? क्या मतलब सर? बैठो, बताता हूँ। हाँ सुनो, तुम्हें एक मौका देता हूँ। हमारे साथ कॉपरेट करोगे तो लड़की तुम्हारी होगी। इसे देखो, जानते हो ना इसे? ये अप्रूवर हो गया है, इसने सब बता दिया है सावलकर के बारे में। सच है, मुझे पहले ही शक था। तुम्हें एक काम करना है, गणेश चतुर्थी के त्योहार के दिन जब गणेश जी को ले जाएंगे, मैं इसे वहां लाऊंगा, लेकिन तुम वहीं पर रहना और वहां पर लड़की को अपना बनाने की कोशिश करना। सावलकर वहां आएगा, वो रोके तो उसे तुम मार सकते हो। कोई तुम्हारे बीच नहीं आएगा। इसी दौरान इसे लेकर मैं वहां आऊंगा, पब्लिक के सामने ही पर्दाफाश करेंगे। इसे हमने ऐसे अरेस्ट किया है ताकि हमारी हिफाजत में रहे और सही टाइम पर इसे ला सकूं। क्या हुआ, करोगे ना? ये भी कोई कहने की बात है? आप हाथों कहिए, चेहरे का नक्शा बदल दूंगा। हे, ये अपना आदमी हो गया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, मैं काफी देर से यही सोच रहा हूँ कि मैं तुमसे पहले भी मिला हूँ क्या? हाँ सर, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो यहाँ बंद था, तब आपने ही मुझे हॉस्टल छोड़ा था। तो तुम वही हो, उस दिन मैंने तुम्हारी मदद की थी, आज तुम मेरी मदद करने आए हो। ऑल द बेस्ट। श्रद्धा है होता अचंभा है, देवों का तू ही है देवता। ये तेरी श्रद्धा है होता अचंभा है, देवों का तू ही है देवता। युद्ध में तू शक्तिशाली, ज्ञान में तू बुद्धिशाली। तू शक्तिशाली, ज्ञान में तू बुद्धिशाली। भक्तों का करता है तू ही तो बेड़ा पार, जो पापी है उसका तू करता विनाश है। दुश्मन जो आए तू करता उसका नाश है। ये तेरी श्रद्धा है होता अचंभा है, देवों का तू ही है देवता। युद्ध जीतना है, प्रेम युद्ध जीतना है। विघ्नता को भस्म कर दे, हिंसा को तू नष्ट कर दे। ये विनती है मेरी तू सुन ले गणेशा, ये मेरा जो प्रेम है अमर कर गणेशा। गणेशा 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 गणेशा। ये तेरी श्रद्धा है होता अचंभा है, देवों का तू ही है देवता। ये तेरी श्रद्धा है होता अचंभा है, देवों का तू ही है देवता।
ए लक्ष्मण कहाँ है, आनंद कहाँ है, जल्दी आओ। ए ए इसके कहने से बैंड बजाना रोक दिया ना, मैं कहता हूँ बजाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, दो मिनट के लिए, दो मिनट के लिए शांत हो जाओ। शांत करो। अरे थांबवा, थांबवा रे बाबा, नो ओढून काय होणार आहे, थांबवा जरा, ऐका तरी माझा गो, अरे माझा गोष्ट तरी ऐका, पाया पडतो तुमच्या, हात जोडतो तुम्हाला, अरे काहीतरी बोला, पाया पडतो रे बाबा, थांबवा सगळे, एक मिनिट तरी ऐका माझा गोष्ट, शांत व्हा आणि ऐका मला, आता मला काहीतरी सांगायचं रे बाबानो तुम्हाला, हा माणूस चांगला नाही, त्याच्यावर विश्वास ठेवणं आम्ही स्वतःला बर्बाद करणं, अरे ह्याच्यासाठी कुठलं पण भाषा धर्म जात पात काही नाही, याला फक्त आपली खुर्ची आणि आपला अधिकार दिसतो, फक्त आपला अधिकार, अरे त्यासाठी जगतो हा माणूस, फक्त पॉलिटिक्स, आपल्या पॉलिटिक्स साठी महादेवला त्यांनी ठार मारलं, त्यांनी ठार मारलं। हात जोडतो, विनंती करतो, आपण आपसात एकतेनं प्रेम भावनेनं राहूया, अरे बाबानो ह्या लोकांचे गोष्टी ऐकून आम्ही आपसात का भांडायचं, मेरा नमक खाकर मुझसे ही नमक हरामी कर रहा है। क्या कहा, तेरे साथ नमक हरामी की है, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तू नमक हलाली करता है, तू, तेरा बाप, तेरा दादा, परदादा, उसका भी दादा, कितनी पीढ़ियों से यहीं पे रहते हुए आ रहे ना, हाँ? तब तो तू कुछ नहीं बोला, इनके मन में जहर किसने घोला, किसने घोला? तूने घोला, इन लोगों ने तुझ पे भरोसा किया और तूने इनके साथ नमक हरामी की, तू क्या समझता है ये सब बावले है, हाँ? इन्हें भड़काने वाला तू कौन होता है, ये सब मैं तुझे समझा रहा हूँ, मैं पागल हूँ, सुधारने की जरूरत इसे नहीं है, तुम्हें, ये जो भी करता है अपने लिए।
हर गलती को हम राजनेताओं के ऊपर थोप देते हैं, ये सरासर गलत है, क्योंकि गलती की शुरुआत होती है हम लोगों से ही, लेकिन उसका फायदा उठाते हैं ये, क्योंकि ये लोग हमें सपने दिखाया करते हैं। आप लोगों में से किसी के भी मन में क्या भाषा को लेकर कोई विरोध है? हाँ नहीं है, तो फिर ये क्या है? हाँ ये क्या है, भाषा को लेकर एक दूसरे से झगड़ा क्यों करते हो? हाँ सब्जियाँ बेचने वाले जितने भी लोग होते हैं, अगर वो कन्नड़ है तो मराठी के वहाँ बेचता है, और जो मराठी है वो कन्नड़ में बेचता है, तो ये दोनों एक दूसरे के घर आते जाते हैं, बस इतना ही। इच्छा होती है तो लेते हैं, नहीं तो ना सही, लेकिन फूट डालने पर उसे भुगतने वाला कौन होता है? ये मजदूरी करने वाले होते हैं ना, जाति धर्म भाषा ये कुछ नहीं जानते, वो अपने पेट के बारे में सोचते हैं। हाँ सुनो, 3 दिन के लिए पूरा शहर बंद रखा, उसमें कितने ही लोग मरे, क्या किसी ने रोका या किसी ने आके बचाया? घर में से निकलकर ये सब क्यों हो रहा है बोलने के लिए कोई आया या किसी का हाल पूछने? कोई नहीं आया, आप भी नहीं गए, कोई और भी नहीं गया, तो फिर ये सब करने वाले कौन है? ये लोग हैं, ये और इसके चेले लोग। किस लिए? इसे अधिकार दिलाने के लिए। ये जानता है कि तुम लोगों में कोई एकता नहीं है, तुम्हारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, तो फिर तुम क्यों आपस में लड़ झगड़ के एक दूसरे का खून बहा रहे हो? हम एक दूसरे को नमस्कार क्यों करते हैं? अगर इसके बदले क्यों वे तेरी तो या कोई गाली दे, ऐसा तो नहीं करते है ना? नमस्कार कह के दूसरे का आदर करते हैं। व्यक्ति हो तो व्यक्ति का आदर, भाषा हो तो भाषा का आदर, जाति हो तो जाति का आदर करो, ये सारा हमारी संस्कृति में है, हम लोग ये समझते नहीं है, बस इतना ही। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, आपके घर के अंदर आपके भाई बहन भी तो रहते होंगे ना, क्या उनसे भी आप ऐसे ही झगड़ते हैं? उनसे आप नहीं झगड़ेंगे, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो आपके घर के लोग हैं, तो देश को अपना घर क्यों नहीं समझते हैं? एक होके क्यों नहीं रहते? हमारी जाति है इंसानियत, अगर इंसानियत है तो हमें सब अच्छे लगेंगे, इसलिए भाइयों अगर इंसानियत जाग गई है तो हमें मत रोकना।